जय जगन्नाथ समस्त को मोर प्रणाम मु निहारिका आपन को वेलकम करुच्छे आम प्रिय यूट्यूब चैनल जहाँ ना हूँ प्रियमुदा ट्यूटोरियल्स। तो प्रीवियस क्लास रे आम डिस्कशन करते एआरआई आरआई और ओमिन रो 2015 रो फास्ट जीके आज आम तार सेकेंड पार्ट देखा जोटे कि आम 50 पर्यंत कम्प्लीट करते आज हूँ तार सेकेंड पार्ट है 51 रु 100 पर्यंत आम चेक करवा तुम्हें यही सब वीडियो जहाँ भी किसी छड़ा से सब को पूरा कम्प्लीटली देख यही सब क्वेश्चन एग्जाम तुम बहुत बहुत इंपोर्टेंट आ क्वेश्चन भावन कि बिल्कुल इजी देती इजी बिल्कुल भी नहीं क्वेश्चन टिके टफ अच्छी मैंने तुमको तुम मेंटल लेवल स्ट्रंग करार अच्छी बहुत भाभी चिंती आंसर देवार अच्छे है ला? तो ये सब कुछ भलसे देखा यही सब तुम प्रीवियस मैंने जो आग को अपकमिंग एग्जाम आसबुरे भी एग्जाम आसपे तो ये सब कुछ देखुता है तो चलो फास्ट क्वेश्चन रू आम स्टार्ट करवा आमर देखिए 51 नंबर एमिटर इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट फॉर मेजरिंग स्ट्रेंथ ऑफ देखिए एमिटर ये गोटे इंस्ट्रूमेंट एयरक्राफ्ट रे यूज करा जाए एयरक्राफ्ट मैंने कौन तुम ये उड़ाजहाज एयरक्राफ्ट मैंने उड़ाजहाज हो एरोप्लेन हो जो भी यही सब तुम यूज करा जाए कौन एमिटर तो यही इंस्ट्रूमेंटा मेजरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कहार स्ट्रेंथ जानवापी तुम एमिटर यूज कराए तो यार आंसर कौन हो आर आंसर हम इलेक्ट्रिक करेन्ट ऑप्शन ए रो ऑप्शन ए होची हमर आंसर इलेक्ट्रिक करेन्ट देखो ये वार्ड गोटे तुम एमिटर 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 देखो मीटर हूँ तो गोटे यूनिट एम टा हूँ गोटे जिन सॉर्ट फॉर्म कहार एम्पियर एम्पियर सॉर्ट फॉर्म हूँ तुम कौन एएम तो एम्पियर टा हूँ कहार स्मॉलेस्ट यूनिट क्या मापापी आम एम्पियर यूज करें करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी करेन्ट को मापापी आम कह यूज एमिटर सॉरी एम्पियर रो यूज कर था तो करेंट रो तुम यूनिट रो ना होची कोनो एम्पियर जेंति कि हम डिस्टेंस मापु कोथरे मीटर रे किलोमीटर रे एई सबरे मापु सेमती तुम करेंट कोथरे मो पाजे एम्पियर रे मो पाजे तारो यूनिट रो ना होची एम्पियर तो एम्पियर रो शॉर्ट फॉर्म होची एम आ मीटर टा हला मीटर जेतु गुटे इंस्ट्रूमेंट तो मीटर को आइजी तो एमिटर आम कौन जान पारा एम्पियर मीटर तो एम्पियर टा कहार यूनिट करेन्ट रही कौन मो पाजे इलेक्ट्रिक करेन्ट तापर नेक्स्ट तुम ऑप्शन रे देची वेलोसिटी ऑफ विंड विंड रो वेलोसिटी मपाजे विंड रो वेलोसिटी कोथरे मपाजे आमर विंड रो वेलोसिटी बा वायु रो गति बा बेगो आमे कोथरे मापु एनिमोमीटर एडा बहुत इजी क्वेश्चन तो मो एग्जाम रे आसी पारे एनिमो एनिमोमीटर तो एनिमोमीटर रे आमर कोन मपाजे वायु रो गति बा वायु रो बेगो वेलोसिटी हो तरो स्पीड हो तमरा कोथरे मपाजे एनिमोमीटर रे मपाजे तो एटा भी तमे जानि रखि दो वेलोसिटी ऑफ विंड वायु रो गति मपाजे तमर कोठी एनिमोमीटर रे तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आउ गोटे जिनस जान रख कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मापापी तुम आउ गोटे इंस्ट्रूमेंट रो यूज करा जाए जहाँ ना हूँ कौन गाल्वानोमीटर गाल्वानोमीटर तुमको जदि क्वेश्चन आसीबो कि गाल्वानोमीटर एमिटर दुटा ऑप्शन तो केबे देई नथिबो जदि भी देइथिबो एमिटर रे मोपाजे तुम इलेक्ट्रिसिटी एसी डीसी करंट जहाँ भी तुम अच्छी माने डायरेक्ट करेंट जो तुम एसी डीसी थाए कि तुम गाल्वानोमीटर कौन मोपाजे स्मॉल अमाउंट ऑफ करेंट बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करेंट थी मोपाजे गाल्वानोमीटर तो यहाँ है तुम इंस्ट्रूमेंट उपरे कोई जिनसे कोई जिनसा को मोपाजे सहीटा देसी है नेक्स्ट क्वेश्चन आसला हु आज द फास्ट रशियान कस्मोनोट कस्मोनोट आम आस्ट्रोनोट भी कहीपर प्रथम रशियान आस्ट्रोनोट रशियार एमती किए आस्ट्रोनोट थे टू ऑर्बिट द अर्थ जी कि अर्थ चारिपटे बुली थे महाकाश रे आउ को मिशन रे से सैटेलाइट ना कौन थी से मिशन ना थी वोस्टक वन केते मसीहा रे 12 एप्रिल 1961 रे तो तुमको क्वेश्चन कही एमती रशिया रो किए आस्ट्रोनोट थे महाकाशचारी जी कि अर्थ रो ऑर्बिट रे बुली थे वोस्टक वन मिशन अनुसार एप्रिल 12 1961 तो ना कौन थी देखो यही ऑप्शन विषय में तुम्हें बर कि न जान था विषय तो जानी थो ना यूरी गागरिन आंसर हम आमर यूरी गागरिन तो यूरी गागरिन ये थे कौ कंट्री रे थे रशियार रशियार ये थे तुम जड़े आस्ट्रोनट कि आस्ट्रोनट हवा पूर्व यूरी गागरिन जड़े पायलट भी थे सी फास्ट रशियार एयरक्राफ्ट जो तुम एयार सर्विस अच्छे एयरफोर्स अच्छी से सब थे गोटे पायलट पायलट पर धीरे धीरे प्रमोशन से कौन है कस्मोनट ये मिशन करागला वोस्टक वन 1961 से कौन कराई स्पेस को छड़ाही तो ये हूँ प्रथम फास्ट मैन टू गो टू स्पेस तो प्रथम एमती किए लोक थे आम वर्ल्ड रिए कि तुम कौटिकी जाइए स्पेस को जाते ना कौन
ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ୟୁରି ଗାଗାରିନ୍। ୟୁରି ଗାଗାରିନ୍ ଯିଏକି ରଷିଆର ଜଣେ ଥିଲେ, ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ମିଗ୍ ଫାଇଭ୍ ସେଇ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ଚଲାଉଥିଲେ ତାର କ୍ରାସ୍ ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ୟୁରି ଗାଗାରିନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ରଷିଆର। ଆଉ ଗୋଟେ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସି କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏମିତି ଡଗ୍ ଜଣେ ଥିଲା ଯାହାକୁ କି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ କୁକୁର ଗୋଟେକୁ, ତାର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ମୋତେ ଏଇଠି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମେନସନ୍ କରିବ କି ପ୍ରଥମ ଡଗ୍ର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା, ମାନେ ମହାକାଶକୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଏନିମାଲ କିଏ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଏନିମାଲ ଥିଲା ଗୋଟେ ଡଗ୍, ଗୋଟେ କୁକୁର ଥିଲା ଯାହାକୁ କି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ମୋତେ ଖାଲି ସେ କୁକୁରର ନାଁଟା ମେନସନ୍ କରିବ କି କ'ଣ ଥିଲା। ଇଏ ତ ହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେନ୍, ସେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କିଏ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏଇସବୁ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ। ଇଣ୍ଡିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିମେଲ ମେଲ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ସେଗୁଡ଼ା ବି ପଚାରେ, ତ ଏଇସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ତମେ ଦେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି, 53 ନମ୍ବର ତମର ଦେଇଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଭାଇରସ। କ'ଣ ଦେଇଛି ତମକୁ, ଦେଇଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଫେବର। ଡେଙ୍ଗୁ ଆମର ଗୋଟେ ରୋଗ ହୁଏ, ଜ୍ୱର ହୁଏ, ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧା ହୁଏ, ତ ଡେଙ୍ଗୁ ଫେବର ଇଜ୍ କଷ୍ଟ ବାଇ, ଫେବର ମାନେ କ'ଣ ଜ୍ୱର, ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗଟା ତମର କାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା ତମର ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ହୁଏ। ଦେଖ ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଭାରିସେଲା ଜୋଷ୍ଟର ଭାଇରସ, ଭାରିସେଲା ଭାଇରସ। ଡେଙ୍ଗୁଟା ପ୍ରଥମତଃ ଜିନିଷ କାହା ପାଇଁ ହୁଏ, ଭାଇରସ ପାଇଁ ହୁଏ। ବହୁତ ପିଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଡେଙ୍ଗୁ କାହା ପାଇଁ ହୁଏ, ଭାଇରସ ପାଇଁ ହୁଏ। ତମକୁ ପଚାରିଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଫେବରଟା କାହା ପାଇଁ ହୁଏ, ପ୍ରଥମ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଯାହା ପାଇଁ ହୁଏ ସେଟା ହେଲା ଭାଇରସ। ଏବେ ପଚାରି ଏବେ ଦେଖିବା ତାର ବାହକର ନାଁ କ'ଣ, ତାର ବାହକ କିଛି ଅଛି କି, ମାନେ ସେ ଭାଇରସର ନାଁ କିଛି କି କେଉଁ ଏନିମାଲ କିଛି ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡେଙ୍ଗୁ ଭାଇରସ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଜୋଷ୍ଟର ଭାଇରସ, ଭାରିସେଲା ଭାଇରସ, ୟାଦ୍ୱାରା ତମର କ'ଣ ହୁଏ ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସ, ସରି ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସ କହୁଛି, ୟାଦ୍ୱାରା ତମର କ'ଣ ହୁଏ ଚିକେନ୍ ପକ୍ସ, ଚିକେନ୍ ପକ୍ସ। ଚିକେନ୍ ପକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକୁ ତମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ବସନ୍ତ ବୋଲି କୁହା ହେଇଥାଏ, ଚିକେନ୍ ପକ୍ସ, ଚିକେନ୍ ପକ୍ସ ବସନ୍ତ ନା ହାଡ଼ଫୁଟି କହନ୍ତି ବୋଧେ। ହଁ ତ ଚିକେନ୍ ପକ୍ସ ଏଇଟା ହୁଏ ତମର ଯେଉଁ ତମ ଦେହରେ କ'ଣ ଫୁଟି ଫୁଟିକି ବାହାରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତମକୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଘରେ ରଖାଯାଏ, ତ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଚିକେନ୍ ପକ୍ସ। ତ ଭାରିସେଲା ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ତମର କ'ଣ ହୁଏ ଚିକେନ୍ ପକ୍ସ ରୋଗ ହୁଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହେପାଟାଇଟିସ ଭାଇରସ, ହେପାଟାଇଟିସ ଭାଇରସ ପାଇଁ ତମର କ'ଣ ହୁଏ ହେପାଟାଇଟିସ ରୋଗ ହୁଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଏଇଠି ତମର ଏଡିସ୍ ଇଜିପ୍ଟିସ୍ ମସ୍କ୍ୟୁଟୋ, ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହବ କି, ଆନ୍ସର ହବ ଆମର ବି, ଆମର କାହା ଦ୍ୱାରା ଡେଙ୍ଗୁ ଫେବର ହୁଏ, ଡେଙ୍ଗୁ ଆମର ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ଆଉ ସେଇ ଭାଇରସଟା ଆମ ବଡିକୁ କେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ, କେଉଁ ବାହକ ବା କେଉଁ ଭେକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ ସେଟା ହେଲା ଗୋଟେ ମସ୍କ୍ୟୁଟୋ। ସେ ମସ୍କ୍ୟୁଟୋର ନାଁ କ'ଣ, ଏଡିସ୍ ଇଜିପ୍ଟିସ୍ ବା ଏଡିସ୍ ମସ୍କ୍ୟୁଟୋ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ହେଇଥାଏ। ତ ଡେଙ୍ଗୁ ହୁଏ ଆମର କାହା ଦ୍ୱାରା, ଏଡିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମକୁ ଯଦି ଆସିବ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ଆମର କେଉଁ ମସ୍କ୍ୟୁଟୋ କାମୁଡ଼ିଲେ ହୁଏ, ଏନୋଫିଲିସ, ଏନୋଫିଲିସ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ତମର କ'ଣ ହୁଏ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ହୁଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଫାଇଲେରିଆ, ଫାଇଲେରିଆସିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଫାଇଲେରିଆ, ଫାଇଲେରିଆ ରୋଗ ହେଲେ ଗୋଡ଼ ଦେଖିବ ଫୁଲିଯାଏ ବହୁତ, 5 ବର୍ଷ ପରେ ତାର ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଯାଏ ଯଦି ମଶା କାମୁଡ଼ିଥିବ। ଏବେ ଫାଇଲେରିଆର ତମର ସବୁ ମେଡିସିନ୍ ବି ଦିଆହେଉଛି ଘରେ ଘରେ। ତ ଫାଇଲେରିଆ ରୋଗ କାହା ପାଇଁ ହୁଏ, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ମସ୍କ୍ୟୁଟୋ ପାଇଁ ହୁଏ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ୟୁଲେକ୍ସ, କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ମସ୍କ୍ୟୁଟୋ କାମୁଡ଼ିଲେ ଫାଇଲେରିଆ ରୋଗ ହୁଏ। ମାଇ ଫିମେଲ ଏନୋଫିଲିସ୍ କାମୁଡ଼ିଲେ ତମର କ'ଣ ହୁଏ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ହୁଏ, ଆଉ ଏଡିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ତମର କ'ଣ ହୁଏ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ହୁଏ। ତ ଏଇ ତିନିଟା ମସ୍କ୍ୟୁଟୋର ନାଁ ତମ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା। ଆଉ ବାକି ଯେତିକି ବି ଆମେ ମଶା ଦ୍ୱାରା ଡିଜିଜ୍ ଦେଖିବା, ଯେମିତିକି ଚିକେନ୍ ଗୁନିଆ ହେଲା, ତମର ଜିକା ଭାଇରସ ହେଲା, କେତେ ବହୁତ ସାରା ଭାଇରସ, ୟେଲୋ ଫେବର ହେଲା, ଜାପାନିଜ୍ ଏନ୍ଫ୍ଲାଲାଇଟିସ୍ ହେଲା, ଇଏ ସବୁ ବି ତମର କାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ହୁଏ, ସେସବୁ ଏଡିସ୍ ଆଉ ତମର ଏନୋଫିଲିସ୍ ଆଉ କ୍ୟୁଲେକ୍ସର ତା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, ତ ଏଇସବୁ ଜାଣିରଖ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଡେଙ୍ଗୁ ଫେବର, ଡେଙ୍ଗୁ ହେଲେ ତମର କ'ଣ ହୁଏ, ଡେଙ୍ଗୁ ହେଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ବହୁତ ପେନ୍ ହୁଏ, ମସଲ ପେନ୍ ହୁଏ, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହୁଏ, ହେଡ଼େକ୍ ହୁଏ, ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହୁଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଡେଙ୍ଗୁକୁ ଅଲଗାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବ୍ରେକ୍ ବୋନ୍ ଡିଜିଜ୍, ବ୍ରେକ୍ ବୋନ୍ ଡିଜିଜ୍। ବ୍ରେକ୍ ବୋନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭଳିଆ ପେନ୍ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବ୍ରେକ୍ ବୋନ୍ ଡିଜିଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବି ତମର ଡେଙ୍ଗୁ ବହୁତ ଚାଲିଛି, ତ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ, ମଶାଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଶାରୀ ୟୁଜ୍ କରିବ, କଏଲ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ 54, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫେମସ୍ ବେଟେଲ ହୋୟାର ଇନ୍ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ୱାଜ୍ ଡିଫିଟେଡ୍ ବାଇ ମୁଗଲ ଆର୍ମି ଲେଡ୍ ବାଇ ରାଜା ମାନସିଂ, କହିଛି ଏମିତି କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧଟା ଥିଲା ବା ସେ ଯୁଦ୍ଧର ନାଁ କ'ଣ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ, ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ଇ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ ରାଜପୁତ ରୁଲର ଥିଲେ, ରାଜସ୍ଥାନର ଜଣେ ରାଜପୁତ ରୁଲର ଥିଲେ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ, ଯିଏକି ପରାସ୍ତ ହେଇଥିଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା, ଡିଫିଟେଡ୍ ବାଏ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ କିଏ, ମୁଗଲ ଆର୍ମି ଯାହାକୁ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ କିଏ ରାଜା ମାନସିଂ। ରାଜା ମାନସିଂ ତମେ ଶୁଣିଥିବ ଆକବରଙ୍କର ନବରତ୍ନ ଥିଲେ,
আকবরক দরবারে নাইন জেমস লে বা নবরত্ন বলে কুয়া যায়, যেমনি তোড়রমাল হল, তোমার বীরবল হল, তানসেন হল, সেমতি জনে কি মানসিং লে, মানসিং ইয়ে তাঁর কোণ লে তাঁর জেনারেল লে আকবরঙ্কর মুখ্য সেনাপতি সেনার হেড মধ্যে তোমার কি রাজা মানসিং লে। আর রাজা মানসিং হচ্ছেন আকবরক জন হিন্দু ওয়াইফ হরক্কা বাই তাঁর সিএ কোণ লে, যেটা তুমি সিরিয়েল যোদ্ধা বাই কী দেখিথিব, তাঁর একচুয়াল না হল হরক্কা বাই। তো হরক্কা বাইঙ্কর ভাই লে মানসিং, যাহা কি আকবর কোণ করে জেনারেল হিসাবে আপয়েন্ট করে তা সহিত কোণ করে তাঁর নবরত্ন ভিতরে মধ্যে মান্যতা দিয়ে। তো সেই আকবর যেত যুদ্ধ করা গেলে মহারাণা প্রতাপ সহিত সেতবে সে কোণ করে সে নিজে ন যাই সেনাপতি সেনাপতি পঠাই। তো সে বেটেল না কোণ বলে পচারিছি, ইয়ে রাজস্থান লে জন রাজপুত রুলার। তো সে বেটেল না কোণ, বেটেল অফ হলদি ঘাটি, হলদি ঘাটি, হলদি ঘাটি হচ্ছে গোটে পাস র না, মু পরে ডিসকশন করদেবি কি পাস র মানে কোণ, পাস র মানে হচ্ছে দর্রা, মানে দুইটা পাহাড় মঝিরে থিবা নেরো রোড, সংকীর্ণ রাস্তা, যে রাস্তা দিয়ে তোমার টেররিস্ট মানে হল, আতঙ্কবাদী হল, বাহার কন্ট্রির যে লোক মানে হল, যে ইন্ডিয়া উপরে আটাক করে, তো এইসব পাস দিয়ে সে সব আসতে। তো হলদি ঘাটি পাস আমার কোটি অছি রাজস্থান রে অছি, আর যেহেতু মহারাণা প্রতাপ বি রাজস্থান রে, তো এই যুদ্ধটা হলদি ঘাটি পাখে হয়েছি, সেইপা সে বেটেল না কোণ, বেটেল অফ হলদি ঘাটি কেবে হয়েছি 1576 মশিয়ার বেটেল অফ হলদি ঘাটি। তো এটা এক্সাম পাই ইম্পর্টাট। তাপরে নেক্সট কোশ্চিন দেখ, নেক্সট কোশ্চিন দিয়েছি আডামস ব্রিজ, আডামস ব্রিজ মানে আডাম না রে গোটে ব্রিজ অছি আডামস ব্রিজ, যেটা কি তোমার কত কিলোমিটার অছি 28 কিলোমিটার, এটা 28 হবনি, এটি আনসার এটা তোমার হব 48 কিলোমিটার, এটা কোশ্চিন ভুল যাইছি। তো আডামস ব্রিজ যেটা কি তোমার 48 কিলোমিটার 30 মাইল অছি, যেটা আমি কিলোমিটারে কনভর্ট কলে কোণ হব 48 কিলোমিটার। তো এই 48 কিলোমিটার যে আডামস ব্রিজ অছি সেইটা তোমার রক্স আউ স্যান্ডস রে পথর আউ বালিরে বনা হয়েছি, পচারিছি এইটা কাহা কাহাকু কনেক্ট করুছি, কো দুইটা জায়গাকু কনেক্ট করুছি। তো আর আনসার কোণ হব, আর আনসার হব ইন্ডিয়া অ্যান্ড শ্রীলঙ্কা। এবার কোশ্চিন আসবে কি আডামস ব্রিজ যদি ইন্ডিয়া ও শ্রীলঙ্কা কু কনেক্ট করুছি, তা আডামস ব্রিজ কো জায়গায় অছি আমো ইন্ডিয়ার, কোডি অছি ইন্ডিয়ার আমার লাস্ট গোটে ল্যান্ড অছি, যেমতি কি সপোজ এটা হলো তোমার ইন্ডিয়া হলা, তো ইন্ডিয়ার এই লাস্ট তোমার গোটে জায়গা অছি গোটে আইল্যান্ড, তার না কোণ রামেশ্বরম, সমস্তে জানিথিবে চারি ধাম ভিতর গোটে ধাম রামেশ্বরম। তো রামেশ্বরম কু এইটি তলে শ্রীলঙ্কা রহিলা, শ্রীলঙ্কার গোটে আইল্যান্ড অছি সেই আইল্যান্ড সহিত কনেক্ট করুছি, তার না কোণ মন্নার, মন্নার আইল্যান্ড। তো রামেশ্বরম আইল্যান্ড কু মন্নার আইল্যান্ড সহিত কনেক্ট করুছি গোটে ব্রিজ, যেটা কি 30 মাইল বা 48 কিলোমিটার অছি, সে ব্রিজর না কোণ আডামস ব্রিজ। আর পিলা মানে বহু জন জানিনথিবে আডামস ব্রিজর একচুয়াল না হচ্ছে রাম সেতু, রাম সেতু বা রামকর ব্রিজ, রাম সেতু সমস্তে জাঁথিব, রাম সেতু মুভি বাড়িলে অক্ষয় কুমার কর, যে বি জাঁ ন দেখিদেব সেটি রাম সেতুঙ্কর স্টোরি, রাম সেতুর পুরা ডিটেল স্টোরি দিয়েছি কি রাম কেমতি বনাইলে ভাসুবা বলা পথর নেই বালিরে টোটাল এত কিলোমিটার ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কা, শ্রীলঙ্কা কু আগু লঙ্কা বলে কুহা হোলা, তো ইন্ডিয়া ও শ্রীলঙ্কা কু এই জায়গাটা কনেক্ট করুলা। কিন্তু পরে পরে কোণ হল আডামস নামক জনে খ্রিস্টিয়ান লে যি আসিলে এই আডামস ব্রিজে, পরে পরে জনে ফিলোসফর লে জনে রাইটর লে যে কি লেখিলে কি এটা রাম সেতু নুহে, এটা যেহেতু আডাম ইউজ করুলে গোটে পাহাড়কু যা আডামস পিক বলে তাকে কুয়া, তো এই রাস্তাটা এই ব্রিজটাকে সে কাহা না অনুসারে দিয়েদেলে আডামস না অনুসারে দিয়েদেলে, কিন্তু একচুয়াল এই ব্রিজর না কোণ রাম সেতু, যেটা কি আম হিন্দু ধর্মর গোটে পবিত্র জায়গা হল। তাপরে নেক্সট দেখিবা তারপরে নেক্সট দেখো 56 নম্বর কোণ দিয়েছে তোমাকে, হু ইজ দ ব্র্যান্ড আম্বাসাডর অফ নিউলি ফর্ম তেলেঙ্গানা স্টেট, মু বতাইলি তোমার তেলেঙ্গানা স্টেটটা হচ্ছে আমার ইন্ডিয়ার 29 নম্বর স্টেট, যেতবে জম্মু এন্ড কাশ্মীর লা তেলেঙ্গানা স্টেট বনা হইতিলা সেটা ইন্ডিয়ার 29 নম্বর রাজ্য লা, কিন্তু এবে যদি দেখিব ইন্ডিয়ার 28 নম্বর রাজ্য হচ্ছে 28 নম্বর স্টেট হচ্ছে তোমার কোণ তেলেঙ্গানা, আর এইটা হচ্ছে কোণ নুয়া সবুঠু নুয়া স্টেট যেটা বনা হয়েছে সেটা হচ্ছে তেলেঙ্গানা। তেলেঙ্গানার ক্যাপিটাল কোণ হায়দ্রাবাদ, তেলেঙ্গানার ক্যাপিটাল হচ্ছে আমার হায়দ্রাবাদ, হায়দ্রাবাদী বিরিয়ানি তোমার বহু ফেমস, তো হায়দ্রাবাদ অছি পচারছি তোমার নিউলি স্টেট যে তেলেঙ্গানা বনাগলা কেবে বনাগলা, 2nd of June 2014 2 June 2014 এই ডেটটাকে তুমি মনে রাখিথিব মসিয়া আউ ডেট এক্সামে তোমার আসে, এই 2 June কু তোমার কুয়া যায় তেলেঙ্গানা ফর্মেশন ডে, মানে এই দিন তেলেঙ্গানা বনা হয়েছিল,
तो 2 जून 2014 रे बना हितला आ तेलंगाना रे तुमरो फास्ट ब्रांड एंबेसडर किए थिले आरो आंसर हो सानिया मिर्जा ये जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी देखो ये दे वीवीएस लक्ष्मण ये जो क्रिकेटर एपटे देखिए पीवी सिंधु ये जो बैडमिंटन प्लेयर जी हैदराबाद रो नेक्स्ट है साइना नेहवाली ये भी जो बैडमिंटन प्लेयर आउ ये है सानिया मिर्जा कौन खेलती टेनिस से कौन खेलती टेनिस तो आपको कौन कराई ब्रांड एंबेसडर हिसाब से सिटी रो चूज कराई है तेलंगाना रोपे नेक्स्ट देखो आउ कौन नेक्स्ट देखिए हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जोड़ा को आम शॉर्ट फॉर्म रे आईएनसी बोली कही था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रथम सेशन रे प्रेसिडेंट किए थे इंडियन कांग्रेस जो आईएनसी बनागला परे इंडिया रो बहुत सारा एमती डिसीजन नवापाई गोटे गोटे मीटिंग हला प्रति वर्ष आईएनसी रो गोटे गोटे मीटिंग होतला आ से मीटिंग रे जणे जणे कोण होतले जणे जणे प्रेसिडेंट को चूज करा होतला इलेक्शन होतला ओ जणे जणे प्रेसिडेंट को चूज करा होतला तो आईएनसी रो एमती गोटे सेशन प्रथम सेशन जोटा कि 1885 रे कोठी हेतला बॉम्बे रे हेतला आईएनसी रो प्रथम सेशन आईएनसी हमर बना हेतला केबे आईएनसी बना हेतला 1885 रे ई मोसिकाटा एग्जाम पे बहुत इंपोर्टेंट हेला तो 1885 रे आईएनसी बना हेतला कोठी बॉम्बे रे बना हेतला आ तारो प्रथम प्रेसिडेंट किए थिले प्रथम सभापति किए थिले डब्ल्यू सी बनर्जी तो डब्ल्यू सी बनर्जी रो फुल फॉर्म होची कोनो डब्ल्यू देखो उमेश चंद्र एटा को पढा जाय उमेश चंद्र बनर्जी जोटा कि डब्ल्यू रु स्टार्ट ये थे तार प्रथम सभापति प्रेसिडेंट है ला। तो ये तुम इम्पोर्टेंट एग्जाम पे आईएनसी विषय टे जानी थो आउ डिटेल क्लास आईएनसी रो आमे परे केबे गोटे करिबा तापर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देखिए तुम ये मैच द फॉलोइंग दिया है मैच द फॉलोइंग देखिए कौ आंसर टा भूल अच्छी जमीक फास्ट देखिए हेलिकॉप्टर हेलिकॉप्टर किए बनते हेलिकॉप्टर आम बनते ब्रिक्वेड ब्रदर्स बोली ठीक अच्छी ना भूल अच्छी एटा एटा तुम कौन अच्छी भूल अच्छी नेक्स्ट देखिए इनकैंडेसेंट बल्ब एटा को मेरी क्यूरी बनते ये भी भूल अच्छी नेक्स्ट मेरी क्यूरी तुम रेडियम प्लूटोनियम यही सब बाहर करते इम्प्रूवड पावर एलिवेटर तुम किए बाहर करते ओटिस एंड वाटसन यहाँ ठीक अच्छे 1852 नेक्स्ट देखिए लेजर किए बाहर करते लेजर तुम बाहर करते किए लेजर बाहर करते गॉडसन गुइड एटा भी तुम ठीक अच्छे नेक्स्ट आसला मोटरसाइकल बाहर करते जी डानिबार जर्मानी 1885 रे ये भी ठीक अच्छे तो ये भूल कौटा बोली तुमको पचार तो भूल आम देखो सीरीयल नंबर 1 भी भूल अच्छी सीरीयल नंबर 2 भी भूल अच्छी किंतु ऑप्शन देखो सीरीयल नंबर 1 आमको देनी तो आंसर कौन हम आंसर हम ए सीरीयल नंबर 2 भूल अच्छी है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आम कौन दे तापर नेक्स्ट देखिए 59 नंबर हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जी कि सब कार्यनिर्वाही अधिकारी बोली जहाँ को कहुए मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी यटा को शॉर्ट फॉर्म रे आम सीईओ लिखि था जो भी गोटे कंपनी गोटे ऑर्गेनाइजेशन बना गले तार सीईओ था एमडी सीईओ तो सीईओ माने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी जी कि सब कार्य को बुझी था तो पचार हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद को तुम कौन कहुए इंग्लीश रे जिला परिषद को कहुए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यू कहुए जिला परिषद तो आमर जो पंचायती राज सिस्टम अच्छी ग्राम रामर गाँव में कौन अच्छी ग्राम पंचायत समस्त जानते हैं गाँ लेवल कौन अच्छे ग्राम पंचायत तापर नेक्स्ट अच्छी तुम कौन तापर अच्छी पंचायत समिति जोड़े कि तुम ये तो भिलेज लेवल अच्छी तापर तुम ब्लॉक लेवल ले कौन अच्छी पंचायत समिति यार सब मेंबर माने तुम इलेक्शन लड़ती पंचायत समिति तापर नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल ले आमर आसिले कौन हम डिस्ट्रिक्ट लेवल ले आसिबो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एटा को आमे कौन कहू जिला परिषद तो यहाँ है तीन टा टायर वाला आम गवर्नमेंट पंचायती राज सिस्टम रो पंचायती राज सिस्टम रे विलेज लेवल ले थाए ग्राम पंचायत ग्राम लेवल ले ब्लॉक लेवल ले थाए पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल ले तुम कौन थाए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो बचाची डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जोटा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल ले सब किसी बुझे तार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किए था तो आर आंसर कौन हम आर आंसर हम कलेक्टर जहाँ को कहुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहुए तो सीए तुम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था कौन जिला परिषद रुझीगला देख नेक्स्ट देखा
ଦେଇଛି 1 ଡିଗ୍ରୀ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ପଢ଼େଇଥିଲି, ଗ୍ଲୋବ୍ ପଢ଼େଇଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଯଦି ନ ଦେଖିଛ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦି ଗଲା। ଯେତିକି ବି ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଦେଖିଲିଣି, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ତମର ଗ୍ଲୋବ୍ ରିଲେଟେଡ୍, ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ୍, ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍, ପ୍ରାଇମ୍ ମେରିଡ଼ିଆନ୍, GMT ଏସବୁ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିନ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତମର ଛଡ଼ା ଯାଇଛି ଗ୍ଲୋବ୍ କହିକି, ସେଟାକୁ ଟିକେ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେବ ହେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, 1 ଡିଗ୍ରୀ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ୍। ମୁଁ ବତେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବ୍ ଦେଖିବ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବ୍ ଦେଖିବ, ସପୋଜ୍ ଏମିତି ଗ୍ଲୋବ୍ ହେଲା, ତ ଏଇସବୁ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଲେଟି ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ୍। ଏଇସବୁକୁ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ କୁହାଯାଏ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍କୁ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ କହିଛି ଏଇ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଏଇଠି 0 ଡିଗ୍ରୀ ଇକ୍ୱେଟର୍ ଥାଏ, ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଖସି 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 90 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ଘୁଞ୍ଚିଲା ସେ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ, ଡିଗ୍ରୀରେ ଆମେ କ'ଣ ମାପୁ, କିଲୋମିଟର ମାପୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ମାପୁ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାପୁ, ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ କିଲୋମିଟରରେ ମପାଯାଏ। ତ ପଚାରିଛି 1 ଡିଗ୍ରୀ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଓ ମେନି, 1 ଡିଗ୍ରୀ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଯେ କେତେ କିଲୋମିଟର, ଆର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହବ, 111 କିଲୋମିଟର। 1 ଡିଗ୍ରୀ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଯେ ହେଲା 111 କିଲୋମିଟର। ହେଲେ ଆମର ଅପସନ୍ରେ 111 କିଲୋମିଟର ଦେଇଛି କି? ଦେଖ ଯଦି ପିଲା କେହି ଜାଣିନଥିବେ, ଏଇ ପାଖାପାଖି ଜାଣିଥିବେ, ପିଲା କ'ଣ କରିବେ, 110କୁ ମାର୍କ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ, 110 110 କହିକି ମାରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହବ, ଆନ୍ସର୍ ହବ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍, ଏଇଠି ଆନ୍ସର୍ ହବ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍, କେବେ ନା ଆମର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଲା, 111 କିଲୋମିଟର। 1 ଡିଗ୍ରୀ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 111 କିଲୋମିଟର, 110.56 ସମଥିଙ୍ଗ ଥାଏ, ତ 111 କିଲୋମିଟର ହେଲା। ଏଇଠି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅପସନ୍ରେ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଦେଇଛି, ତ ତମେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିକି ଆନ୍ସର୍ ଦେବ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ତା'ପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବ୍ଲି ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ଲି ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଅଫ୍ କୋଲ୍, ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଆଣ୍ଡ ଆଲୁମିନିୟମ୍। ତମକୁ ପଚାରିଛି ଆମ ବିଶ୍ୱର ଏମିତି କେଉଁ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଅଛି, ମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଉତ୍ପାଦନ କରେ କ'ଣ କ'ଣ, କୋଇଲା ପ୍ରଥମ ହେଲା, କୋଇଲା, ଆଇରନ୍ ଓର୍ ମାନେ ଲୁହା ପଥର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଯେଉଁଠୁ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆମର ଆଲୁମିନିୟମ୍ରୁ ବାହାରେ ବକ୍ସାଇଟ୍। ତ ଆଲୁମିନିୟମ୍, ଆଇରନ୍ ଆଉ କୋଲ୍ରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ କେଉଁ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଟପ୍ରେ ଅଛି ପଚାରିଛି, ତ ଆର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହବ, ଆର ଆନ୍ସର୍ ହବ ଚାଇନା, ଚାଇନା ଆଣ୍ଡ ଚାଇନା। ଚାଇନା ଅଛି ତୁମର କୋଇଲାର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ, ଆଇରନ୍ର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମ୍ର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ ଟପ୍ରେ, ଆନ୍ସର୍ ହବ ଅପସନ୍ ଡି। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 62 ନମ୍ବର ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, କହିଛି ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଭୁଲ ଅଛି, କାହା ବିଷୟରେ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି ବିଷୟରେ, ମାନବର ତୁମର ଯେଉଁ ବଡି ଅଛି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି ମଣିଷ ଶରୀର, ଏ ଭିତରୁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ସେଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, କହିଛି ମଣିଷ ହୃଦୟ ମିନିଟ୍ରେ 72 ଥର ସ୍ପନ୍ଦନ କରେ, ଆମର ହାର୍ଟ କେତେ ଟାଇମ୍ ବିଟ୍ କରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ, 72 ଥର, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଛି ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ମାଷ୍ଟର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି ଇଜ୍ ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ, ମଣିଷ ଶରୀରର ମାଷ୍ଟର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବ୍ରେନ୍ରେ ଥାଏ, ତ ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡକୁ ମାଷ୍ଟର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ମାନବ ଶରୀରରେ 639 ମାଂସ ପେଶୀ ଥାଏ, ତ ଆମର ମସଲ, ହାଡ଼ ତ 206 ଖଣ୍ଡ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମସଲ କେତେଟା ଥାଏ, 639, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଦେଇଛି ମାନବ ଶରୀରରେ 48 / 24 ଯୋଡ଼ି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ, କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଆମର କେତେଟା ଥାଏ, 23 ଯୋଡ଼ି ଥାଏ, 23 ପେୟାର୍, 23ଟା ପେୟାର୍, ବା ତୁମର କେତେଟା ଥାଏ, 46ଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରୁ କି 22 ପେୟାର୍ ତୁମର ଥାଏ ଓଟୋଜୋମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପେୟାର୍ ଥାଏ ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍, ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥିବ। ତ ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ, 46ଟା, ଯଦି ଆମେ ପେୟାର୍ ମାନେ 2 2ଟାରେ ଗଣିବା, ତ 23 ପେୟାର୍ ଥାଏ, ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହବ, ଆନ୍ସର୍ ହବ ଆମର ଡି, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ହେଲା। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦେଇଛି ଦ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟ ଇଜ୍, ଓଡ଼ିଶାର କୋଷ୍ଟର ଲେନ୍ଥ କେତେ, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍, ଯେମିତିକି ସପୋଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ତୁମର ଏଇଟା ମ୍ୟାପ୍ ହେଲା, ତ ଏପଟେ ତୁମର ସମୁଦ୍ର ଅଛି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ଏପଟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ଆରବିଆନ୍ ସି, ତ ଏଇସବୁ ଯେତିକି ଷ୍ଟେଟ୍ର ବର୍ଡ଼ର ଲାଗୁଛି ସମୁଦ୍ର ସହିତ, ସେସବୁକୁ ଆମର କୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ କୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ, ଓଡ଼ିଶା ବି ଆସିବ, ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଡ଼ର ବି ତୁମର ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଲାଗୁଛି, ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ତ ପଚାରିଛି ଓଡ଼ିଶାର କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ର ଲେନ୍ଥ କେତେ, ତ ଯଦି ଆମେ ଅପସନ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ର ଲେନ୍ଥ କେତେ ହେବ, 480 କିଲୋମିଟର, ବାକି ଏକ୍ଚୁଆଲ ଏଇଟା ନୁହେଁ, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମକୁ 420 ଦେଇଥିବ, କେଉଁଠି 450 ଦେଇଥାଏ, ଏକ୍ଚୁଆଲ ଆନ୍ସର୍ ତ 450 ହିଁ ହବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦେଇନି ଆମେ ପାଖାପାଖି ନେଇପାରିବା, ଯଦି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା ତ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ବି ଆମେ ମାର୍କ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି 64 ନମ୍ବର ତୁମର କ'ଣ ଦେଇଛି, ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେ ଆର୍ ଫାଷ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଏଟ୍ କୋଲକାତା, ବମ୍ବେ ଆଣ୍ଡ ମାଦ୍ରାସ।
ତମେ ଜାଣିଥିବ ଆଗରୁ ଆମର ତିନିଟା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଥିଲା, ମାନେ ତିନିଟା ଇଣ୍ଡିଆର ତିନିଟା ଭାଗ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ହେଲା ମେନ୍ ହେଲା କୋଲକାତା, ଯାହାର ନୂଆ ନାଁ ବି ହେଉଛି କୋଲକାତା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବମ୍ବେ, ବମ୍ବେର ନୂଆ ନାଁ ହେଲା ମୁମ୍ବାଇ। ଏଇ ତିନିଟା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଥିଲା କାହା ଟାଇମ୍ରେ, ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ। ମାଦ୍ରାସ ଯାହାର ନୂଆ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ, ଚେନ୍ନାଇ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଅଛି। ତ ଏଇ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମେ ତ ହାଇକୋର୍ଟ ବନା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ କ'ଣ କରାଗଲା, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସବୁ ବନାଗଲା। ତ ପଚାରୁଛି କେତେ ମସିହାରେ ଏଇ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ତୁମର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବନା ହେଇଥିଲା, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବନା ହେଇଥିଲା। ତ କେତେ ମସିହାରେ ବନା ହେଇଥିଲା, 1857 ମସିହାରେ। 1857ର ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତୁମର ବନା ହେଇଥିଲା କୋଲକାତା, ବମ୍ବେ ଆଉ ମାଦ୍ରାସରେ ତୁମର ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଯଦି ତୁମକୁ ପଚାରିବ ଏଇ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ତୁମର ହାଇକୋର୍ଟ କେବେ ବନା ହେଇଥିଲା, ତ 1861। ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ, 1861। ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ହାଇକୋର୍ଟ ବନା ହେଇଥିଲା କୋଲକାତାରେ, ଯେଉଁଟା ହେଲା ତୁମର କହିଲେ 1861। ଏତିକି ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଦେଇଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇନକରେକ୍ଟ, ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଇନକରେକ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ ଭୁଲ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଚାରିଛି ବ୍ରାସ, ବ୍ରାସ ମାନେ କ'ଣ, ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଇଛି ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ବ୍ରାସ। ବ୍ରାସ ମାନେ ହେଲା ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ପିତ୍ତଳ, ପିତ୍ତଳ ବାସନ କୁସନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ପିତ୍ତଳ ହେଲା, ଥାଳି କଂସା ଦେଖିଥିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମାନେ ହେଲା କ'ଣ, କଂସା, କଂସାରେ ଆଗରୁ ଖାଉଥିଲେ କଂସା ବାସନ କୁସନରେ। ତ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମାନେ ହେଲା କଂସା, ବ୍ରାସ ମାନେ ହେଲା ପିତ୍ତଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ କପର, କପରର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ, ତମ୍ବା। ତ ତମ୍ବାଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଥିରେ କି କଂସା ଆଉ ପିତ୍ତଳର ବାସନ କୁସନ ବା ଯାହା ଜିନିଷ ବନାଯାଏ। ତ ତୁମକୁ ପଚାରିଛି ବ୍ରାସ, ବ୍ରାସ ମାନେ ପିତ୍ତଳଟା ଇଜ୍ ଏନ୍ ଏଲୟ, ଏଲୟ ମାନେ କ'ଣ, ମିଶ୍ର ଧାତୁ, ବହୁତ ସାରା ଧାତୁ ମିଶିକି ବନାହେଲେ ତାକୁ ମିଶ୍ର ଧାତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ବ୍ରାସଟା କପର ଆଉ ଜିଙ୍କ ମିଶିକି ବନା ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଏ ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଇନ୍ ଏନ୍ ଆଲୋୟ, ବ୍ରୋଞ୍ଜଟା କାହାର କାହାର ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ଧାତୁ, ଟିନ୍ ଆଉ କପର, ଟିଣ ଆଉ କପର ମିଶିକି ବନା ହେଇଛି କଂସା, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଷ୍ଟେନ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ, ଷ୍ଟେନ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ର ଏବେ ସବୁ ବାସନ କୁସନ ତୁମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛ, ଘରେ ଯେତିକି ବି କଂସା ପିତ୍ତଳ ଏଇସବୁର ତ ବାସନ ଆଉ ନାହିଁ, ଏବେ ଆମର କ'ଣ, ଷ୍ଟିଲ୍ର ବାସନ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଇ ଷ୍ଟିଲ୍ଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଷ୍ଟେନ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ଏବେ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ବାସନ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ତ ଷ୍ଟେନ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ଟା କାହାର ଏଲୟ, କ୍ରୋମିୟମ, କାହାର କାହାର କହିଛି କ୍ରୋମିୟମ। ତାପରେ ଦେଇଛି ନିକେଲ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଇରନ୍, ଆଇରନ୍ର ସିମ୍ବଲ୍ ହେଲା ଏଫି। ଏତିକି ଜିନିଷ ମିଶା ହେଇକି ତୁମର କ'ଣ ବନା ହୁଏ, ଷ୍ଟେନ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ୍ଟା ଦେଇଛି ଏଇଠି ଭୁଲ ଦେଇଛି, ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ୍ ମିଶିନଥାଏ ଷ୍ଟେନ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛିଟା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମାନେ କେତେ ପଏଣ୍ଟ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଟିକେ ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଥାଏ, ଏଇଟା ନ ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆମର କ'ଣ, ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବି, ଆନ୍ସର୍ ବି, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ବି, ଷ୍ଟେନ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ତୁମର ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ୍ ନଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, 66 ଦ ଇୟର୍ 1920 ପଚାରିଛି, 1920 ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଭେଣ୍ଟ, 1920 ମସିହାରେ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟଟା ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଭେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍, ନଟ୍ କହିଛି ନା, କେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟଟା ହେଇନଥିଲା, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ନଟ୍ ନଟ୍ ଦେଇଛି। ତ କେଉଁଟା ହେଇନଥିଲା, ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା କି ନା 1920ରେ ହେଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ସୋସାଇଟି ଇଏ ବି ବନା ହେଇଥିଲା 1920ରେ। ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିକି ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା, ଇଏ ବି 1920ରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମି। ତ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ କେବେ ବନା ହେଇଥିଲା, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଯାଇକି ଯେଉଁଠି ମିଶିଥିଲେ, ଏଇଟା ବନା ହେଇଥିଲା 1943 ମସିହାରେ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଭୁଲ ଅଛି ଆମର, ହେଲା, ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆନ୍ସର, ବାକି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ର, ପୁଣି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍, ତ ଏଇଟା ବି 1920ରେ ବନା ହେଇଥିଲା। ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକର ଡେଥ୍ ବି ହେଇଥିଲା 1920ରେ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ହେବ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 67 ଦେଇଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଲିଟରାରୀ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଆମର କାହାକୁ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଓଡ଼ିଆର ଜଣେ କବି, ଓଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସ୍ୱଭାବ କବି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସ୍ୱଭାବ କବି, ହେଲା। ତ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କୃତି ନୁହେଁ, ବା ସେ କେଉଁଟା ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ତୁମକୁ ନଟ୍ ଗୋଟେ ମେନ୍ସନ୍ କରୁଛି, ନଟ୍, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଛାଡ଼ିବନି, ନହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଆମର ଚିଲିକା। ତ ଚିଲିକା କିଏ ଲେଖିଛି, ଚିଲିକା ଲେଖିଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ରାଧାନାଥ ରୟ, ଆମର କବିବର ରାଧାନାଥ ରୟ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚିଲିକା। ବାକି ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, ତପସ୍ୱିନୀ, ଇନ୍ଦୁମତୀ ଏଇସବୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତ ଏଇଟା ନୋଟ୍ ପଚାରିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଦ ମେସିନ୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ରେକର୍ଡିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟକୁ ମେଜର କରେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ, ପାସିଂ ଥ୍ରୋ ଦ ବ୍ରେନ୍, ବ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଯାଏ ତୁମର ମୁଣ୍ଡରେ,
टू डिटरमाइन द ब्रेन डिजीज आमर ब्रेन रे जो डिजीज हुए ताकु जानिबा पई निर्धारण करिबा पई ब्रेन रे गुटे इलेक्ट्रिक करंट रो सिग्नल पठा जाए ताकु किए मापे से मशीन रो ना कोन बोली पचाय छी तो से मशीन रो ना कोन देखो एडी तुमरो आसीबो ईसीजी ईसीजी एतरा शॉर्ट फॉर्म आ एटा आला तुमरो कोन ईईजी ईसीजी हला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आउ ईईजी हला इलेक्ट्रोएनसेफालोग्राफ तो एटा हला ईईजी हले ब्रेन रो ब्रेन रे इलेक्ट्रिक सिग्नल पई हमरो कहारो यूज करा जाय हमरो यूज करा जाय इलेक्ट्रोएनसेफालोग्राम एगुड़ा को ईईजी बोली कहा जाए ईईजी मशीन आम कौटी यूज करा जाए ब्रेन रो डिजीज पई जमीक एनसेफालाइटिस जोटा देख मशा कामुड़े हुए जापानीज एनसेफालाइटिस एगुरा सब तुम कौन कर ईईजी यूज करा जाए आ गोटे जिनस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिते बड़े भी तुम देख कार्डियो वार्ड कार्डियो कार्डियोटा क्या रिलेटेड थाए बॉडी रो हार्ट रिलेटेड थाए कार्डियो तो हार्ट रो किसी डिजीज हेल्ले आम कौन देखु ईसीजी ईसीजी टेस्ट करा जाए ईसीजी मशीन रे हला हार्ट रो जेमती देखिबो कि तुमरो तार सब बीट सब देखा जाउतबो तळ को लाइन ऊपर तळ एमती होतै से मशीन गो टीवी बलिया थाए ना से टीवी टा होची ईसीजी मशीन तो ईसीजी मशीन रे हमर हार्ट बीट देखा जाए मनुष्य जेते बहुत सीरियस थाए तुम देखि तो टीवी रे सब मूवी रे तापर नेक्स्ट दैची द क्रस्ट ऑफ अर्थ हैज द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमर अर्थ रे पृथ्वी रो तीनटा लेयर अछि सबुटु प्रथम लेयर हला कोर सबुटु भीतर लेयर हला कोर जदि आमे तीनटा भाग एमती देखिबा पृथ्वीटा को एमती देखिबा तो एटा प्रथमटा हला कोर तापरे हला मेंटल मेंटल आ सबुटु लास्ट लेयर रो ना हला कोन क्रस्ट प्रथमटा हला कोर तापरे हला मेंटल तापरे हला क्रस्ट ए लेयर गुरा भी तमे तुमको सीरियली पचारे एथर सीजीएल एग्जाम रे पडितला कोर मेंटल क्रस्ट तो अर्थ रो सबुटु बाहर लेयर रो ना कोन सबुटु बाहर लेयरटा हला क्रस्ट तो पचाची क्रस्ट रे ऑक्सीजन रो परसेंटेज केते परसेंट थाए तो आर आंसर हबो कोन नन ऑफ दिस कोन बे नन ऑफ दिस हबो किबे ना अर्थ रो क्रस्ट रे 45% रु 50% पर्यंत तमरो कोन थाए ऑक्सीजन थाए आ जदी आमे एप्रोप्रिएट देखिबा केते पाखा बाकी अछि तो 46% अछि तो 46% किंतु एडी देखो ऑप्शन दिछि 49.85 तो एटा तो होबोनी आंसर हबो कोन डी नन ऑफ दिस आ एक्चुअल आंसर हबो 46% जदी तमे देखिबो पाखा बाकी तो 45-50% पर्यंत रहिछि ऑक्सीजन हला तापर नेक्स्ट देखो 70 नंबर द नेशनल एंथम हमरो जातीय संगीत नेशनल जातीय एंथम माने कोन संगीत आमर जातीय संगीत जार ना होची कोनो जनगण मन आगु किए लिखिथिले जनगण मन आम नेशनल एंथम लिखिथिले रवींद्रनाथ टागोर रवींद्रनाथ टागोर लिखिथिले आमर नेशनल एंथम जनगण मन तो सीए कहिछि कि रवींद्रनाथ टागोर लिखिथिले वाज फास्ट सॉन्ग सॉन्ग माने कोनो सिंग माने गाइबा सॉन्ग माने गीत गाइबार फास्ट फॉर्म तो गाइथिले किए गाइथिले तुमर रवींद्रनाथ टागोर लिखिथिले किंतु सीए गाई नथिले किए गाइथिले तांकर नाइसी तांकर झियारी गाइथिले झियारी कहूँ तांकर भाणीजी गाइथिले नेफ्यू माने हेला भणज नाइसी माने हेला भाणीजी हेला तो तांकर नाइसी गाइथिले तांकर ना थिला सारला देवी चौधराइन थिला बोधे तांकर ना किछि से किछि जण स्कूल छुआंकु मिसेकी एही गीतटा जोटा तांकर मामू लिखिथिले से ताकु कोण करथिले गाइथिले को जगह आईएनसी कोलकाता सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस जोटा बनाइथिले 1885 रे तार आईएनसी रो कौ सेशन रे गाई थिले कोलकाता सेशन आउ एटा एग्जाम पे इम्पोर्टेंट तुमको कहबो नामर जातीय संगीत आईएनसी रो कौ सेशन रे गाई थिला तो कोलकाता सेशन रे गाई थिला एडी तुमको पचारिबो कि कौ दिन एडी आंसर हमको कोन पचार जे कौ दिन गाई थिले तो एतार आंसर हबो 27 डिसेंबर 1911 रे तुमरो हेइतिला कोन कोलकाता सेशन आईएनसी रो सेइटी रवींद्रनाथ टागोर जो गीतटा को लेखिथिले ताकु गाई थिले किए तांकर भाणीजी किसी जन छुआ मिसेकी तो आईएनसी रही कोलकाता सेशन टाइम इंपोर्टेंट हो जाए के 1911 मसीह तो ये तो आम इंडिया नेशनल एंथम लिखी ले रवींद्रनाथ टागोर विश्वकवि बोली कहा जाए छाड़ी सी आउ गोटे कंट्री नेशनल एंथम लिखी ले तार ना कौन तार ना है बांग्लादेश से बांग्लादेश भी नेशनल एंथम लिखी ले जार ना हूँ आमर सोनार बांगला सरी आमार आमार बेंगोली कहते ना आमार सोनार बांगला माने आमर सुनार बांग्लादेश आमर सुनार बांगला आकु भी लिखी थे रवींद्रनाथ टागोर
ଆଉ ତମର ଜନଗଣମନ ଇଣ୍ଡିଆର ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ୍ ବି ଲେଖିଥିଲେ କିଏ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବୋଲି ଉପାଧି ଦିଆହେଇଛି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ କବି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ ଯାହାଙ୍କୁ କି କ'ଣ ମିଳିଥିଲା, ଲିଟରେଚର ପାଇଁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ ଯାହାଙ୍କୁ କି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଥିଲା ଗୀତାଞ୍ଜଳି କାବ୍ୟ ପାଇଁ, ସେଟା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଜନଗଣମନ, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗୋଲି କବିତାର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା, ମାନେ ପ୍ରଥମ ପଙ୍କ୍ତିରୁ ଅଣା ହେଇଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ତମର ଥିଲା ବେଙ୍ଗୋଲିରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ତମର କ'ଣ କହନ୍ତି ତାକୁ କିଛି ଛାଡ଼ ମୋତେ ଏବେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତ ବେଙ୍ଗୋଲି ଗୋଟେ କବିତା ଥିଲା, ତାର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟା ହେଉଛି ତମର କ'ଣ ଜନଗଣମନ, ସେଇଠୁ ହିଁ ଅଣାଯାଇଛି ତାର ହିନ୍ଦୀ ଭର୍ସନଟା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସେ କି ତମର ଜନଗଣମନକୁ କେବେ ଆଡପ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା, ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଅଛି ନା କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି, ତ କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି 24 ଜାନୁଆରୀ 1950 ଏଇ ଦିନ ଆମର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆଡପ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା, ଗ୍ରହଣ କରାହେଇଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆଡପ୍ଟ କରାଗଲା କେବେ, 26 ନଭେମ୍ବର 1949। ଆଉ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା 26 ଜାନୁଆରୀ 1950। ତ 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା, ତାର 2 ଦିନ ଆଗରୁ 24 ଜାନୁଆରୀ 1950 କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆମର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆଡପ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା। ତ ଏତିକି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି, ୱାଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଇଜ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଜର୍ଭ। ତ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଜର୍ଭ ଯେତିକି ବି, ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତିକି ବି ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଅଛି, ତାର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଏ? ତ ଆର ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ, 37%, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠି ଅପ୍ସନ୍ରେ ନାହିଁ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ, 36%। ଏଇଠି ଅପ୍ସନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ୍ ଦିଆହେଇଛି ହେଲା। ଆନ୍ସର୍ ମେ ବି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ 2015ରେ ବୋଧେ 36% ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଏଇଠି ଆନ୍ସର୍ ମାର୍କ କରାହେଇଛି, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏବେ 72 ନମ୍ବର ହେଲା। 72 ନମ୍ବରରେ ତମର କ'ଣ ଦେଇଛି, 72 ନମ୍ବରରେ ତମର ଦେଇଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ହେଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ଫଲୋଇଂରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଲମ୍ରେ ଦେଇଛି ଟର୍ମସ୍, ମାନେ ଏଇସବୁ ଜାଗାର ନାଁ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମରେ ଦେଇଛି ମିନିଂ, ମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେ ଫେମସ୍ ବା କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇ ଜାଗାଟା ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଅମରକଣ୍ଟକ। ଅମରକଣ୍ଟକ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁର ନାଁ ବା ଗୋଟେ ମାଳଭୂମିର ନାଁ ଅମରକଣ୍ଟକ। ଆଉ ଅମରକଣ୍ଟକ କେଉଁଠି ଅଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ଆଉ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବୋର୍ଡର୍ରେ, ସ୍ପେଶାଲି ତ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। ତ ଅମରକଣ୍ଟକ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ତମର ନଦୀ ବାହାରିଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଲା କ'ଣ, ନର୍ମଦା ଆଉ ତାପ୍ତି। ତାପ୍ତିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅମରକଣ୍ଟକରୁ ନାହିଁ, ଅମରକଣ୍ଟକ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ବାହାରିଛି, ମୁଲତାଇର ପ୍ଲାଟ୍ୟୁରୁ ବାହାରିଛି। ତ ଏଇ ଅପ୍ସନ୍ଟା ଏ ସହିତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ତମର ଆବାଡନ। ଆବାଡନ ଇରାନରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଅଛି, ଡି କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଅଛି, ଅଏଲ୍ ରିଫାଇନେରୀ ପାଇଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଅଜରବେଜାନର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଲା ବାକୁ। ବାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍, ବାକୁ ଅଛି ତମର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପାଇଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କୋଟୋପେକ୍ସି, ଏଇଟା କୋଟୋପେକ୍ସି ନୁହଁ ମାଉଣ୍ଟ, ଏଇଟା କ୍ୟାଟାପେକ୍ସି ହେବ। ତ କ୍ୟାଟାପେକ୍ସିଟା କାହା ପାଇଁ ଫେମସ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ହେଉଛି ତମର ଆକ୍ଟିଭ ଭୋଲକାନୋ। କେଉଁ ଜାଗାର ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ଭୋଲକାନୋ, ଆଣ୍ଡିଜ୍ ମାଉଣ୍ଟେନର। ଆଣ୍ଡିଜ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ ହେଉଛି ତମର କେଉଁଠି ଅଛି, ଆଣ୍ଡିଜ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ ଅଛି ସାଉଥ ଆମେରିକାରେ। ଆଣ୍ଡିଜ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ତମର ବିଶ୍ୱର କ'ଣ ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱର କେଉଁଟା, ଆଣ୍ଡିଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ତମର କେଉଁଠି ଅଛି, ସାଉଥ ଆମେରିକାରେ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ତମର ଆଣ୍ଡିଜ୍ଟା ହେଲା କ୍ୟାଟାପେକ୍ସି, ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ କ୍ୟାଟାପେକ୍ସି। ବାକୁଟା ହେଉଛି ତମର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପାଇଁ, ଆଉ ଆବାଡନ୍ଟା ହେଲା ତମର କ'ଣ ଅଏଲ୍ ରିଫାଇନେରୀ ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଅପ୍ସନ୍ କେଉଁଟା, ଫୋର୍ ନମ୍ବର ହେଲା ବି ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି, ଏଇଠି ବି ଫୋର୍ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଛି। ଅମରକଣ୍ଟକ ହେଲା ନର୍ମଦା ନଦୀ, ଅମରକଣ୍ଟକ ୱାନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଏଠି ଦେଇଛି, ଏଠି ବି ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଏଇଠି ଦେଇଛି ସି ନମ୍ବରରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଟୁର ହେଲା ଡି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଅପ୍ସନ୍ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଜାଣିପାରୁନି। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଅମରକଣ୍ଟକ ଦେଖ, ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବା, ଅମରକଣ୍ଟକ ହେଲା ଏ, ସୋର୍ସ ଅଫ ମାନେ ବିଟ୍ ୱାନ୍ର ହେଲା ଏ ଏ ଦୁଇଟାରେ ଦେଇଛି। ଆବାଡନ ହେଲା ଡି, ମାନେ ବିଟ୍ 2ର ହେଲା ଡି, ନୋଟେଡ୍ ଫୋର୍ ବିଟ୍ 2ର ହେଲା ଡି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା, ଡି ନମ୍ବରଟା ଏଇଟା ବିଟ୍ 2ର ହେଲା ଡି। ତାପରେ ବିଟ୍ 3ର ହେଲା ସି, ତାପରେ ବିଟ୍ 4ର ହେଲା ବି। ତ ଅପ୍ସନ୍ ଏଇଟା ତମର ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ତ ଭୁଲ ହେଇଟା ଟିକେ ଠିକ୍ସେ ଦେଖୁଥିବ, ସବୁ ଅପ୍ସନ୍ ତମର ସେମ୍ ଅଛି, ଏତିକି ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା,
तबे देखो 73 नंबर देची एवरेज डेप्थ ऑफ द ओशन ऑन द अर्थ माने आमर पृथ्वी रे जो सब महासागर अछि ओशन माने कोनो महासागर तो महासागर मन को एवरेज डेप्थ माने समुद्र माने जो समुद्र तुमरो भूमि लैंड देची लैंड रु केते तळु को तुमरो अछि समुद्र पतन रु तळु को केते पर्यंत अछि तुमरो ओशन तो एतरो आंसर कोन हो एतरो आंसर हो आंसर हो तुमरो कोडे वाला ऑप्शन 3.5 किलोमीटर है 3.5 किंतु आंसर एक्चुअली 3.6 समथिंग देची किंतु जेहेतु आमर ऑप्शन देती 3.6 समथिंग ए सब नाही तो आंसर हो कोन 3.5 किलोमीटर तापर नेक्स्ट है 74 एटा भी देची मैच द फॉलोइंग देची इनकरेक्ट वन ए भितर कोटा भूल अछि बोले तुम कहबो फर्स्ट देची 1940 रे मोहम्मद अली जिन्ना डिमांडेड सेपरेट स्टेटहुड फॉर पाकिस्तान 1940 रे प्रथमे किए थिले मोहम्मद अली जिन्ना थिले जे कि मुस्लिम लीग रो जणे से होचंती गोडे मेंबर से कोन करथिले पाकिस्तान रो डिमांड करथिले तो एटा कोन अछि ठीक अछि 1940 रे ऑगस्ट ऑफर आस्तला तबे नेक्स्ट होला 8 अगस्त 1942 रे तमर कोन हेतला क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास हेतला माने भारत छाड़ो आंदोलन करबा पे गोटे रिजोल्यूशन पास हेतला तो एटा ठीक अछि एटा भी ठीक अछि नेक्स्ट देछि 1943 1943 मसिया रे तमर कोन हेतला आईएनए आईएनए माने आजाद हिंद फौज जोटा इंडियन नेशनल आर्मी तो यही सुभाष चंद्र बोस जाइकी बनईले सुभाष चंद्र बोस मिसेले तो सेटा भी ठीक अच्छे इंडियन नेशनल आर्मी नेक्स्ट देखिए 1950 मसीहा नवेम्बर 26 तारीख में इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन भारत रो संविधान को एडॉप्ट करा जाइतला देखो ये गोटे टर्म देखिए एडॉप्ट एडॉप्ट रो माने कौन ग्रहण ग्रहण करवा जमी आम एडॉप्ट बेबी एडॉप्ट करू आ भी किसी जिन पॉलिसी एडॉप्ट करू तो एडॉप्ट माने ग्रहण करवा आ गोटे था एनफोर्स एनफोर्स माने कौन कार्यकारी होगा बा इनाक्ट गोटे थाए तो एडॉप्ट होउची ग्रहण करवा जोटा कि आम संविधान के ग्रहण कर नवेम्बर 26 डेट तुम ठीक देची कि मसीहा भूल अच्छी यहाँ 1949 बोला 1949 मसीहा नवेम्बर 26 रे आम कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कराइला कि एनफोर्स कार्यकारी के जनवरी 26 1950 तो ये जनवरी 26 1950 जदि कार्यकारी होता तो भी ठीक होता कि जेहेतु ये एडॉप्टेड दिखाई तो यहाँ नवेम्बर 26 1949 हवा कथा तो सीरीयल नंबर कौटा भूल अच्छी सीरीयल नंबर 4 भूल अच्छी कौटी देख दे ऑप्शन एटा ऑप्शन डी हूँ आंसर सीरीयल नंबर 4 भूल अच्छी तापर नेक्स्ट देखो आउ कौन क्वेश्चन दिखाई नेक्स्ट देखो 75 नंबर है 75 नंबर दे तुम फास्ट गोटे डिजिज रहा दिखाई तापर नेक्स्ट तुम देखिए कौ बॉडी पार्ट रे तुम ये डिजिजटा हुए जमीक फास्ट दे आस्थमा आस्थमा तुम कौटी हुए ब्रोंकियल मसल तुम जो स्वर मानने रेस्पिरेटरी सिस्टम जो जाए तुम ब्रोंकियल मसल सब थाए स्वर तंत्र सब तो सहित रिलेटेड आम आस्थमा कौन हुए श्वास रोग बोली जोड़ा कहुए निश्वास प्रश्वास नहीं पारती इनहेल करती से मैंने तो आस्थमा है तुम ब्रोंकियल मसल सहित नेक्स्ट देखिए डायबेटिस डायबेटिस तुम कौपाई हुए डायबेटिस आम इंसुलिन गोटे हार्मोन सिक्रेट हुए इंसुलिन हार्मोन आई हार्मोन टाइम कौट सिक्रेट हुए इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट हुए पानक्रियास रु जोटा को पानक्रियास अग्नाशय कहुए तो पानक्रियास रु सिक्रेट हुए तो डायबेटिस को बॉडी पार्ट को इफेक्ट करे पानक्रियास नेक्स्ट देखिए एनसेफालाइटिस जमीक जापानीज एनसेफालाइटिस मुझे जोड़ा कहली तुम भाइरस हुए मशा कामुड़े हुए तो यहाँ क्या इफेक्ट करे ये भूल देती यहाँ क्या इफेक्ट करे ब्रेन आई सबूर टेस्ट करने तुम कह यूज कराए इजी इलेक्ट्रोनिक एनसेफालोग्राफ तापर नेक्स्ट है गोइटर जोटा को आम ओडिया कौन कहू ओडिया आम कहू गलगंड गलगंड रोग हुए आयोडीन डेफिसीयसी तुम गला सब फुली जाए बहुत तो जो जगह आयोडीन डेफिसीयसी थाए से जगह तुम कौन हुए गोइटर रोग हुए लोक मान तो गोइटर क्या इफेक्ट कै गोइटर इफेक्ट कै तुम क्या थ्रोट को ये भी भूल अच्छी है तो ऑप्शन 3 भूल अच्छी ऑप्शन 4 भूल अच्छी कौटी देखिए देख ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 आर इनकरेक्ट तो आंसर ऑप्शन सी हूँ आम ठीक आंसर यहाँ तुम ब्रेन को इफेक्ट करे गोइटर तुम थ्रोट को इफेक्ट करे तो एमती जदि दे था तो भी ठीक होता यार आंसर टाइम इे दीची ऊपर तले दे दीजिए तो सैटा टी चेक कर नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए देखो से सेम तुम लाटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ग्लोब रु क्वेश्चन आई इक्वेटर लाइन आमर कौ कंट्री दे कि पास करना डज नॉट पास थ्रो व्हिच कंट्री कौ कंट्री दे कि पास करनी जमीक आम इंडिया अच्छी आम इंडिया रहा तो इंडिया तुम कौटी ये तलू दे कि इक्वेटर पास करक्वेटर तुम किरीबाती मालदीव्स है इंडोनेशिया
এটি মালদ্বীপ সেলা এটি ইন্ডোনেশিয়া লা কিরিবাতি এই সব তোমার কন্টিনেন্ট দেইকি যাইছে মানে কন্ট্রি দেইকি যাইছে তো ইন্ডিয়া দেইকি যাইনি এই তলে যাইছে প্রথমে ইকুয়েটর পাস করিছে কো কন্ট্রি রে ইকুয়াডর গোটে জায়গা আছে ইকুয়াডর ইকুয়াডর পেরু ব্রাজিল এই সব দেইকি যাইছে হলে কো কন্ট্রি দেইকি যাইনি ইন্ডোনেশিয়া দেইকি যাইছে এটা মু কইলি ব্রাজিল দেইকি যাইছে কলম্বিয়া ইকুয়াডর এই সব দেইকি যাইছে কো কন্ট্রি দেইকি যাইনি মেক্সিকো মেক্সিকো দেইকি ইকুয়েটর লাইন যাইনি তোমার ইকুয়েটর লাইন যোডালা কোন 0 ডিগ্রি ল্যাটিটিউড जो माने भी ये सब वार्ड बा टर्म बुझी पार्न से माने हमरो प्रीवियस वीडियो देखि परबो मुडा अपलोड कर छी जोटा कि तुमरो ग्लोब ऊपर अछि से सब वीडियो को देखो आ आ परे भी हमें जो क्वेश्चन डिस्कशन करबा ओडिसा गवर्नमेंट रो से सब रे ये सब रो बहुत क्वेश्चन आछि ए शिफ्ट रे भी अछि हला देखिबा तापरे नेक्स्ट देखो पुनी ग्लोब ऊपर गो क्वेश्चन आसिला देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन प्राइम मेरिडियन इज करेक्ट प्राइम मेरिडियन विषय रे को स्टेटमेंट ता ठीक अछि যদি আমি এমতি গ্লোব দেখিবা পৃথিবীর গোটে রূপ হলা গ্লোব এই মঝিরে এটি গোটে 0 ডিগ্রি লঙ্গিটিউড এই লম্বা লম্বা লাইন হলা কোন লঙ্গিটিউড তো 0 ডিগ্রি লঙ্গিটিউড লাইন তোমার 0 ডিগ্রি লঙ্গিটিউড লাইন কো কোন কো আজে 0 ডিগ্রি মেরিডিয়ান বা কোন কো আজে প্রাইম মেরিডিয়ান বলি কো আজে প্রাইম মেরিডিয়ান বলি কো আজে তো এটা 0 ডিগ্রি আর এটা গোটে লঙ্গিটিউড লাইন তো তা বিষয়ে কিছুটা স্টেটমেন্ট দেইছি ফার্স্ট স্টেটমেন্ট দেইছি ইট ইজ দ্য মেরিডিয়ান ফ্রম দ্য হুইচ লঙ্গিটিউড ইজ মেজার্ড तो यही मेरिडियन रु कौन करा जाए लॉन्गिट्यूड लाइन सब मेजर करा जाए एटा 0 डिग्री तो एटू ही स्टार्ट हो ना प्रथम स्टार्ट करा जाबो कोडू एटू तापर नेक्स्ट देछि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड फ्रॉम हियर ठीक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जाइछि देछि इट पासेस थ्रू ग्रीनविच नियर लंडन मु बतैतली तमरो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को जगह देकि जाइछि जी ग्रीनविच मेरिडियन ग्रीनविच गोटे सिटी रो ना आ एटा कोडी अछि लंडन रे अछि ग्रीनविच लंडन रे अछि तो सही जगह देछि जाइछि बोली हमर 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन कुआ जाए आ या अनुसार जो टाइम डिसाइड करा जाए सेटा को जीएमटी बोली कुआ जाए ग्रीनविच मीन टाइम तो एटा भी ठीक अछि ग्रीनविच सिटी देकि जाइछि आंसर हो कोन हमर आंसर हो ऑल ऑफ दिस ए भितरु तीनटा को स्टेटमेंट ठीक अछि तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तमे सब जानिथिबा कथा तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देछि इंडियन बोर्न माने भारतीय भारत रे जने जन्म हेतिले हरगोविंद खुराना ये भारत रे जन्म होइतिले कोई नोबेल प्राइज मिलिथिला नोबेल प्राइज होची गोटे तुमरो इंटरनेशनल गोटे अवार्ड एटा की टाइप रो प्राइज इंटरनेशनल प्राइज इंटरनेशनल माने जोडे इंटरनेशनली बहुत सारा कंट्री को दिया जाए भारत बाहर नेशनल माने नेशनल अवार्ड माने इंडिया रे दिया जाए इंटरनेशनल अवार्ड माने बाहर कंट्री रे दिया जाए तो देछि जेनेटिक कोड को जिनस पई जेनेटिक कोड पई तांकू मिलिथिला नोबेल प्राइज कौ जिनस मिलता मेडिसिन रे मेडिसिन रे नोबेल प्राइज मिलता तो पचार कौ मसीह नोबेल प्राइज मिलता 1968 आर आंसर हम ऑप्शन डी 1968 आ भारत प्रथम नोबेल प्राइज क्या मिलता फास्ट फास्ट इंडियान जहाँ को कि नोबेल प्राइज मिलता सी हूँ तुम कौन रवींद्रनाथ टागोर रवींद्रनाथ टागोर तुम कौ मसीह मिलता 1913 मसीह लिटरेचर फिल्ड में मानने लिटरेचर माने लेखालेखी क्षेत्र रे आ को बही पई गीतांजलि से बही रो ना थिला गीतांजलि तो एही बही पई तांकू फर्स्ट नोबेल प्राइज मिलिथिला सेकंड का को नोबेल प्राइज मिलिथिला सेकंड मिलिथिला 1930 रे सी भी रमन से तांकू मिलिथिला फिजिक्स रे आ से कोन बाहर करथिले रमन इफेक्ट जो माने फिजिक्स ऑनर्स नै थिबो जानिथिबो रमन इफेक्ट लाइट सहित रिलेटेड गोटे इफेक्ट रोमन इफेक्ट बाहर करते फिजिक्स रे सेकंड नोबेल प्राइज मिलता इंडिया रो तापरे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ नोबेल प्राइज कहाँ ना अनुसार दिया जाए नोबेल प्राइज दिया जाए तुम जड़े वैज्ञानिक थे ना थी कौन आल्फ्रेड नोबेल आल्फ्रेड नोबेल जी की गोटे जिनस डिस्कवर करते तार ना कौन मत कमेंट सेक्शन में आंसर देव कि आल्फ्रेड नोबेल कौ जिनस को डिस्कवर करते जो कि ना अनुसार नोबेल प्राइज आम दौ आल्फ्रेड नोबेल टाइटलटा नोबेल अच्छी नोबेल प्राइज दिया जाए तापर नेक्स्ट देखिए ऑन व्हिच डेट कौ दिन रे आर्कटिक सर्कल मान कौन एटा जदि हमें ग्लोब देखा ग्लोब रही नॉर्थ पटर पोल को कौन कह जाए आर्कटिक सर्कल यही जगह टा साढ़े 66 डिग्री 66.5 डिग्री रु 90 डिग्री पर्यंत जोटा आसला यही रिजन टाक कौन कह जाए आर्कटिक सर्कल सेमती तले 66 डिग्री रु 90 डिग्री पर्यंत जोटा आसला एटा कह जाए कौन आंटार्कटिक बोली कह जाए ऊपर है आर्कटिक तलटा है आंटार्कटिक तो कही आर्कटिक सर्कल रे तुमर कौ दिन 24 घंटा थाए दिनटा जेहेतु सूर्य तीर्ज किरण पड़े
सीधा किरण पड़ेनी से दिनटा चौबीस घंटा न थाए तो कौ दिन दिन चौबीस घंटा थाए आंसर हम कौन जून एक यार आंसर हम जून एक जोटा को आम समर सलिस्टिस देख नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर देची इंडिया रो प्रेसिडेंट मानकर ना नेम ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर इनकमबेंसी माने कोई प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति माने भारत रो जो आसी परे किए आसी क्रम अनुसार सजाई लेख तो समस्ते जानिथिबो इंडिया रो प्रथम राष्ट्रपति किए थे भारत रो प्रथम राष्ट्रपति ये थे राजेन्द्र प्रसाद द्वितीय रे अमर किए थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण जहाँ नाम अनुसार आम टीचर्स डे सेलिब्रेट करूँ तापर नेक्स्ट आसिले जाकिर हुसैन तापर नेक्स्ट आसिले तुम्हारो भिबिगिरी भिबिगिरी कौटर थे भिबिगिरी थे ओडिशार ओडिशार जन को केवल मिली भारत रत्न ओडिशार जन को मिली भारत रत्न सीएल आम प्रेसिडेंट इंडिया रो प्रेसिडेंट थे नाँ हूँ कौन भिबिगिरी बराहगिरी वेंकटगिरी है तो भिबिगिरी तापर नेक्स्ट तापर किए आसे फकीरुद्दीन अली ये थे पांच नंबर जहाँ टाइम कौन लगी एमरजेन्सी लगी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे टाइम नेशनल एमरजेन्सी लगी तो यही क्रम अनुसार आम जब देखा 1 2 3 4 5 मान सीरीयल नंबर पूरा ठीक अच्छे सरी एटा ना एटा दे सी नंबर 1 2 3 4 5 आंसर हम आम ऑप्शन सी है नेक्स्ट देख नेक्स्ट देखिए 81 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर रेस्पेक्टिवली द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी वेट एंड उल माने उल वेट माने ला गहम आ टी माने ला चा चा गहम आ उल लो प्रोडक्शन रे को कंट्री टॉप रे अछि आ अंकु ऑप्शन वाइज आंसर मार्क करिवार अछि ला तो सेटा भी ठीक ठीक से देखिबो तो फर्स्ट रे हमरो टी टी रो प्रोडक्शन रे देखो बांग्लादेश तो बिल्कुल भी नहीं चाइना अछि आ इंडिया अछि तो हमें देखिबा इंडिया आ चाइना भीतर आंसर कोन होबो तापर नेक्स्ट देछि तमरो वेट वेट रो प्रोडक्शन रे एडी थाईलैंड भी आसीमनी तो ये ऑप्शन भी कटिगला तापर नेक्स्ट आसीबो उल उल रो प्रोडक्शन रे ऑस्ट्रेलिया टॉप रे अछि तो यार आंसर कोन होबो यार आंसर होबो इंडिया चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया जदि हमें ठीक क्रोनोलॉजी देखिबा इंडिया टी रो प्रोडक्शन रे टॉप रे अछि चाइना हला तमरो वेट रो प्रोडक्शन रे ऑस्ट्रेलिया हला तमरो कोन उल रो प्रोडक्शन रे तो आंसर होबो कोन सी आंसर होबो सी देखो को कंट्री को जिनसर रो प्रोडक्शन रे टॉप रे अछि सी सब भी तमरो एग्जाम रे आछि तापर नेक्स्ट देखिए देखो भारत निर्माण योजना बहुत सारा स्कीम आसे तो कही भारत निर्माण योजना तुमको पचार निर्माण मान कौन किसी गोटे जिनस बनवा कंस्ट्रक्ट करवा भारत निर्माण योजना यहाँ कौ जिनस रिलेटेड माने अर्बान सहरी जगार घर बनवाई कि ब्रिज आउ रोड बनवाई कि आई टी सेक्टर तो आंसर हेनी घर कि ब्रिज बनवाई हम कि रूराल इनफ्रास्ट्रक्चर गाँ जगार इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने कि सहरी जगार कि ब्रिज आउ रोड बनवाई आर आंसर हम कौन आर आंसर हम रूराल इनफ्रास्ट्रक्चर तो आर आंसर हम ऑप्शन बी तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग मनीष शरीर साधारण तापमात्रा केते तो मनीष शरीर साधारण तापमात्रा केते 98.4 डिग्री फारेनहाइट एटा कौन फारेनहाइट टेम्परेचर मापे आम कौन कौन यूज करूँ फारेनहाइट यूज करूँ केल्विन यूज करूँ आ गोटे कौन सेल्सियस यूज करूँ तो फारेनहाइट रे कहले हम 98.4 सेल्सियस रे कहले 37 डिग्री आम शुणीचु समस्ते कि पॉइंट रे देख दे तुमको कन्फ्यूज हेनी यार आंसर कौन हे 37.2 डिग्री सेल्सियस जदि आम पखापाखी देवा तो 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड हम तापर देख नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ प्रिवेंशन ऑफ स्मॉल पॉक्स माने स्मॉल पॉक्स को प्रिवेंट करिबा पई तमरो एई भितरु कोउटा गोटे उपाय नुहे पचारी छी तो प्रथमे देखिए फोटोकार खोलपा छड़ी देबा स्मॉल पॉक्स हेले कोनो हाड़फुटी फुटिकरी बाहरिबो फोटोकार खोलपा छाड़ीबा शेष होबा पर्यंत रोगी को अलग रखिबो ठीक अछि तापर नेक्स्ट देखिए चतुर्पार्श्व को प्रति संक्रमित करिबो माने डिसइनफेक्ट करिबा ताकु सफा सुथरा रखिबा एटा भी ठीक अछि खंकार को नष्ट करिबा डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पुटम तो एटा भी ठीक अछि खंकार जोटा को तार खंकार कौन थी से मानने जीवाणुटा थी तापर नेक्स्ट देखिए रोगी रो लुगापटा को वाशिंग मेसीन रो सफा करिबा
ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି? ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ରୋଗୀର କପଡ଼ାକୁ ସଫା କରିବା କି ଆମେ ତାର କପଡ଼ାକୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଧୋଇବା ସିଏ ଯେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମ ପଟେ ତ ସେମିତି ହିଁ କରାଯାଏ, ଯେତିକି ଦିନ ସେ କପଡ଼ାଟା ମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିବ ସେଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ନହେଲେ ତ ତୁମ ଗରମ ପାଣିରେ ବି ଧୋଇପାରିବ କୀଟାଣୁ ମରିବା ପାଇଁ। ତ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ତ ବିଲକୁଲ ବି ସଫା କରିବନି, ଏଇଟା ହେଇଛି ଆମର ଅପସନ୍ ଭୁଲ ଅଛି। ତାର ଦେଖ 85 ନମ୍ବର, ଇନ୍ 1907 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ INC ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ମଡରେଟ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ସେସନ୍ ଚାଲୁଥିଲା? ସେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲା ତୁମର ସୁରତ ସେସନ, ସୁରତ ଅଧିବେଶନ ଚାଲୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ 1907 କଂଗ୍ରେସର ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ସୁରତ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍। 1907 ତୁମକୁ ପଚାରିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସୁରତ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା? ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା 1907। ସେ ଦୁଇ ଭାଗର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋଟେ ଥିଲା ମଡରେଟ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ। ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ମାନେ ହେଲା ଚରମପନ୍ଥୀ, ଯେଉଁମାନେ ହିଂସା ଉପାୟରେ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ହିଂସାତ୍ମକ ଥିଲେ, ଯେମିତିକି ତୁମର ହେଲା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଲାଲ ବାଲ ପାଲ, ଭଗତ ସିଂ ଏଇସବୁ। ଆଉ ଜଣେ ହେଲା ମଡରେଟର୍ସ, ମଡରେଟର୍ସରେ ତୁମର ଥିଲେ ରାସବିହାରୀ ବୋଷ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ଏମାନେ କ'ଣ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମତଭେଦ ହେଲା, ଦୁଇ ଜଣ ସେପାରେଟ୍ ହେଇଗଲେ। କେଉଁ ସେସନ୍ରେ? ସୁରତ ସେସନ୍ରେ 1907 ସେପାରେଟ୍ ହେଲେ। ତ କହିଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲା? ସେ ସୁରତ ସେସନ୍ର ତୁମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କାହାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? ତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ଯିଏକି ତୁମର ମଡରେଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ? ସିଏ ଥିଲେ ଆମର ରାସବିହାରୀ ବୋଷ, ସିଏ ଥିଲେ ତୁମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 86 ନମ୍ବର, ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ୱାଟରଫଲ, ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବାଲା ୱାଟରଫଲ ମାନେ ଜଳପ୍ରପାତ, ଯାହାର ନାଁ ଦେଇଛି ତୁମର କ'ଣ, ଯାହାର ଦେଇଛି 1000 meter ହାଇଟ୍ର ଅଛି ସି ଲେଭେଲ୍ରୁ, ଆଉ ପଚାରିଛି କି ଏଇଟା ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଅଛି। ଭେନେଜୁଏଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ସାଉଥ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର ନାଁ, ଭେନେଜୁଏଲା। ତ କହିଛି ଭେନେଜୁଏଲାରେ ତୁମର ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ ଅଛି, ତାର ନାଁ କ'ଣ? ଏଇଠି ଦେଖ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଜୋଗ ୱାଟରଫଲ, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆର ହାଇଏଷ୍ଟ ୱାଟରଫଲ ଜୋଗ, ଯେଉଁଟାକି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଛି। ତୁମକୁ ପଚାରିଛି ଭେନେଜୁଏଲାରେ କେଉଁ ୱାଟରଫଲ୍ଟା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆର ହାଇଏଷ୍ଟ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ? ଏଞ୍ଜେଲ, ଏଞ୍ଜେଲ ୱାଟରଫଲ। ଏଇସବୁ ବହୁତ ଇଜି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସର୍ଟ ସର୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମନେ ରଖୁଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ତୁମର ନିଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ନିଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କିଏ ଥିଲେ? ଇଏ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲା ନିଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ତ ପଚାରିଛି ନିଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫାଷ୍ଟ, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଥିଲେ? ଆମେରିକାନ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ଥିଲେ, ଆମେରିକାର ଜଣେ ମହାକାଶଚାରୀ ଥିଲେ। ସେଟ୍ ଫୁଟ୍ ଅନ୍ ଦ ମୁନ୍, ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେ କେଉଁ ଦିନ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଏଇଠି ଅପସନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ ଦେଇଛି, ଆର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? 21 July 1969। ଦେଖ 1969 ବାଲା ହିଁ କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ, 21 July ଖାଲି ଦେଇଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଦେଖିବ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏମିତି ହିଁ ଚାଲୁଥାଏ, କେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ତ କେତେବେଳେ ଅପସନ୍ ଭୁଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ଆମେ ନିଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯିଏକି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବି ଯାଇଥିଲେ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା କେହି ମନେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମେନ୍ସନ୍ କରିବ କି ନିଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସହିତ ସେକେଣ୍ଡ କିଏ ଯାଇଥିଲେ ଯିଏକି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ଥିଲେ କେଉଁ ଜାଗାର? USAର ଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଦେଖ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍। ଆମର ଭାରତର ଯେଉଁ ପତାକା ଅଛି, ଆମର ପତାକାର ନାଁ କ'ଣ? ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ତିନି ରଙ୍ଗର ଅଛି ବୋଲି ତାର ନାଁ ହେଉଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ଉପରେ ଅଛି ସାଫ୍ରନ୍, ତଳେ ଅଛି ହ୍ୱାଇଟ୍, ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି ତୁମର କ'ଣ? ଗ୍ରୀନ୍। ତା'ପରେ ତିନିଟା କଲର୍ ଅଛି, ମଝିରେ ଅଛି ଆମର ଅଶୋକ ଚକ୍ର। ତ କହିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଭୁଲ ଅଛି? ଦେଇଛି ସାଫ୍ରନ୍ କଲର୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସୁଡ୍ ଅଲୱେଜ୍ ବି ଏଟ୍ ଦ ଟପ୍, ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଥାଏ? ନାରଙ୍ଗୀ କଲର୍ର ଥାଏ ସାଫ୍ରନ୍, ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ନୋ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅର୍ ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍ ସୁଡ୍ ବି ପ୍ଲେସ୍ଡ ଏଭବ୍ ଅର୍ ଟୁ ଦ ଲେଫ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ରଖିବା ତାର ଉପରେ ଉପରେ ବା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ କିଛି ବି କେଉଁ ଜାଗାର ଫ୍ଲାଗ୍ ରହିବା କଥା ନାହିଁ, ମାନେ ତୁମର କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ହେଲା, କେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର ହେଲା, କିଛି ବିର। ତ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର କଣ୍ଟ୍ରିର ଯେତେବେଳେ ବି ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟ ହେବ ସବୁବେଳେ ଫ୍ଲାଗ୍ଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଟପ୍ରେ ଥିବ, ଆଉ ଯେତିକି ଫ୍ଲାଗ୍ ଆସିବ ତା ତଳେ ରହିବ ହେଲା। ତ ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ନେଇଛି ୱାଇଲ୍ଡ ମାର୍ଚିଂ, ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାଷ୍ଟ କରାଯାଏ ନା, ମାର୍ଚିଂ କରାଯାଏ,
इट सुड बी हेल्ड ऑन द राइट और इन द सेंटर। देखिदेव ना तुम जो था स्काउट गाइड एनसीसी एमती गोटे पता ये सीधार धरिकी थे आई थे राइट मैंने राइट साइड में ना तो ये सीधार पूरा धरिकी पूरा चली थी पैरेड तो सी कही कि तुम राइट साइड थी ना तो सेन्टर में थी तो ये भी ठीक अच्छे है तीन नंबर भी ठीक अच्छी लास्ट देन के इट कैन बी टेकन डाउन ऑन द नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऑफ होस्टिंग माने आम जब पता उत्तोलन आज कलु तो से पताटा आम कौन करवा पर दिन सकाले आम बाहर करवा ये ठीक अच्छे कि ना भूल अच्छे आम नेशनल फ्लाग जिते बड़े भी होस्ट कराए सन्ध्या हाँ पूर्व आम फ्लाग को कौन करवा बाहर करदे तो ये स्टेटमेंट आम भूल अच्छे है पिलाने तुमने भी मन रख फ्लाग को केतबाला भी होस्टिंग कला पर दिन पर्यटन रखनी से दिन ही इवनिंग पूर्व बाहर कराए तापर देखो नेक्स्ट 89 नंबर देखिए व्हिच प्लेस इज नोन एज काश्मीर ऑफ ओडिशा ओडिशा रो काश्मीर काश्मीर माने कौन जो बरफ पड़े बहुत ठंडा ठंडा एरिया तो ओडिशा आम कौ जगह बरफ पड़े आमर पड़े दारिंगबाड़ी दारिंगबाड़ी ये आम बरफ पड़े है आ दारिंगबाड़ी कौ डिस्ट्रिक्ट अच्छी यहाँ भी कमेंट सेक्शन में मतलब आंसर दब है दारिंगबाड़ी कौ डिस्ट्रिक्ट अच्छी तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए किसी अवार्ड रहा जोटा कि ओडिशा दि जाए किसी पुरस्कार ना आ कौ यूनिवर्सिटी कौ ऑर्गेनाइजेशन किए दिए है तो सहित तुम कौन कर मैच कर तो प्रथम देख तुम दे गंगाधर नेशनल अवार्ड गंगाधर नेशनल अवार्ड जोटा कि आम जीएम बोली भी सुनी था जीएम कॉलेज जीएम यूनिवर्सिटी आम कौट संबलपुर तो गंगाधर नेशनल अवार्ड किए दिए संबलपुर यूनिवर्सिटी एमती तुम लिंक करपर नेक्स्ट है गुरु केलुचरण महापात्र ये तुम गोटे कौन ओडिसी डांसर गुरु केलुचरण महापात्र ओडिसी डांसर तो ये गोटे इनिट्यूट बनते तार ना कौन सृजनी तो गुरु केलुचरण अवार्ड किए दब सृजनी इनिट्यूट दब नेक्ट दे तुम विशुभ कलिंग सम्मान कलिंग सम्मान किए दिए विजु पट्टनायक दिखती इनिट्यूट तरफ विशुभ सम्मान हरेकृष्ण महताब आति बड़ी जगन्नाथ दास सम्मान किए दिए ओडिशा ओडिया साहित्य एकाडेमी तो देख मैच द फॉलोइंग रे कुआडे कौटे है फोर नंबर आंसर है थ्री नहीं फाइव नंबर आंसर है फोर फाइव नंबर आंसर है फोर फाइव नंबर फोर ये गोटे आउ तो कौटी भी देनी फाइव नंबर फोर फोर नंबर थ्री फोर नंबर थ्री थ्री नंबर भी बी थ्री री तो आंसर हम ए यहाँ ही ठीक अच्छे आकी तो किसी ऑप्शन देनी फाइव नंबर भी रे गोटे ही ऑप्शन देक है देख नेक्स्ट देखिए द चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाईकोर्ट इज अपॉइंटेड बाय माने कौन सी गोटे हाईकोर्ट ओडिशा हाईकोर्ट बोली भावनी तुम भाव कि कौ भी गोटे हाईकोर्ट इंडिया टोटाल के हाईकोर्ट अच्छी टोटाल पचिशा हाईकोर्ट आम इंडिया अच्छी मैंने टोटाल अठाईसटा राज्य आठटा केन्द्र शासित अंचल को मिसेकी टोटाल पचिशा हाईकोर्ट अच्छी आम इंडिया तो पचिशा हाईकोर्ट रु सब लेटेस्ट है कौन अमरावती हाईकोर्ट अमरावती हाईकोर्ट जोटा कि कौटी अच्छी अमरावती हाईकोर्ट अच्छी आमर आंध्र प्रदेश में अच्छी अमरावती हाईकोर्ट तो हाईकोर्ट रे हेड था कौन कह जाए चीफ जस्टिस ऑफ से हाईकोर्ट जमीक चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाईकोर्ट आम कहीपर तो पचार चीफ जस्टिस मुख्य विचारपति किए निजुक्ति दिंती किए निजुक्ति दिंती पे भावुवे गवर्नर ओडिशा गवर्नर निजुक्ति दे राज्यपाल ना किए भावुवे सुप्रीमकोर्टर चीफ जस्टिस तो बाकी किसी ऑप्शन हो पारनी तो मुझे कहवापी चाहे पे दुटा भितर कौटा भी आंसर हेनी आंसर हम कौन इंडिया रो प्रेसिडेंट आमर इंडिया रो राष्ट्रपति जी अच्छा सी क्या मनोनीत करती तुम अपॉइंट करती क्या ओडिशा रो हाईकोर्ट रो चीफ जस्टिस ओडिशा बोली नहीं सबू जितकी भी तुम इंडिया हाईकोर्ट अच्छी तो हाईकोर्ट रो तुम सब चीफ जस्टिस सुप्रीमकोर्टर चीफ जस्टिस छाड़िकी जितकी भी तुम प्राइम मिनिस्टर है आज जितकी जज हेले समस्त को किए अपॉइंट करती तुम प्रेसिडेंट अपॉइंट करती कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करवाई यही दुईज लोकंर एडवाइस नि गवर्नर से स्टेट्र ता सहित चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इतक जन को एडवाइस सी किंतु अपॉइंट किए करती प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट आर्मी नेवी एयरफोर्स जी कमांडिंग ऑफिसर जी हेड था सीडीएस तुम जितकी भी तुम हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्टर चीफ जस्टिस प्राइम मिनिस्टर समस्त को सीजेआई जितकी जितकी हेले समस्त को किए अपॉइंट करती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो ये भूल करनी है नेक्स्ट देखिए व्हेन ओडिशा बिकम ए सेपरेट स्टेट ऑन फर्स्ट अप्रैल 1936 जिते बड़े ओडिशा तुम नुआ गोटे प्रदेश है एक अप्रैल 1936
आमे कौन मनाऊ एटाक ओडिशा दिवस बा तुमर कौन मना जाए ओडिशा दिवस बा उत्कल दिवस बोली मना जाए ओडिशा दिवस बा आमे ताकु उत्कल दिवस कहिकी मनाई थाउ 1 अप्रैल को एही दिन ओडिशा कोन हेतला गोटे स्वतंत्र प्रदेश हिसाब से मान्यता पाइला तो कहिछि सेते बेले ओडिशा रे तुमर केतेटा डिस्ट्रिक्ट थिला केतेटा डिस्ट्रिक्ट थिला बोले मने सेते बेले ओडिशा रे थिला 6टा डिस्ट्रिक्ट प्रथमे 6टा डिस्ट्रिक्ट को नेकि हमर बना हेतला ओडिशा प्रोविंस जोथिरे कि तुमर थिला कटक पुरी बालेश्वर जोटा को आम बालासोर बोली लिखु तापरे संबलपुर तापरे ला कोरापुट आ गोटे थिला तुमर कौन गंजाम तो ये 6टा डिस्ट्रिक्ट आमर थिला कौन ओडिशार सेपरेट प्रोविंस रे किंतु परे परे सब डिस्ट्रिक्ट ऐड है कि एबे टोटल केतरा डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा रे टोटल 30टा जिला अछि आमर ओडिशा रे किंतु प्रथमे केतोटी थिला प्रथमे थिला 6टी डिस्ट्रिक्ट एतकी ला एटा को तुम मन रखिबे ला को 6टा डिस्ट्रिक्ट थिला मे बी एग्जाम रे आसीबो तुमरो तापर नेक्स्ट देखो 93 नंबर कहिछि ए भितरु को इवेंटटा ठीक माने भूल अछि 1576 रे बैटल ऑफ हल्दीघाटी हेतला ठीक अछि महाराणा प्रताप आउ तुमरो हेतला का भितरे अकबर सेनापति थिले मानसिंह तांको भितरे हेतला तापर नेक्स्ट हेछि 1757 रे पलासी रो युद्ध हेतला बेंगल रो नवाब सिराजुद्दौला ता सहित लॉर्ड क्लाइव ब्रिटिशर्स मानको सहित ये भी ठीक अछि नेछि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पानीपत रो तृतीय युद्ध 1761 रे अहमद शाह अब्दाली अफगान रो रूलर ता सहित मराठा मानको रो हेतला जोथिरे कि अफगान माने मराठा मानको फाइनली हरैथिले एटा भी ठीक अछि नेक्स्ट देछि बैटल ऑफ बक्सर ए बैटल ऑफ बक्सर 1764 मसिया रे हेतला ये भी तमरो ठीक अछि रे पिले माने ए भीतर आंसर कोडा भूल अछि एडी तमरो ऑप्शन किछि भी तमरो भूल नाही तो आंसर हबो नॉन प्राय सब क्वेश्चन आंसर नॉन ही अछि नॉन ऑफ दिस तापरे देखो नेक्स्ट 94 नंबर देछि ए भीतर को बुक गोटे देछि बुक तापरे नेक्स्ट देछि कारो ऑथर ना देछि ला ऑथर रो ना देछि एडी देछि बुक देछि आ बाकी ऑथर मान को ना देछि फर्स्ट तो एडी देछि देखो बाकी सब छाड़ दियो एटू हम देखिबा गीत गोविंद किए लिखिथिले जयदेव लिखिथिले जगन्नाथ मंदिर सब दिन संध्या रे गाजे गीत गोविंद जयदेव लिखिथिले ये ठीक अछि गोदान गोदान ए सब लिखिथिले किए प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद ये भी ठीक अछि तो देखो हमर एडी ऑप्शन देछि सीरियल नंबर 3 और 4 तो सीरियल नंबर 3 और 4 ठीक अछि तो ये ऑप्शन भूल हो गला तबे नेक्स्ट देछि सीरियल नंबर 1 और 5 आमे देखिबा 1 और 5 भितर कोटा भूल अछि तो 1 नंबर टा जोटा देछि डॉक्टर जेकेल एंड मिस्टर हाइप ये भी ठीक अछि तमरो तमरो गोटे आंसर भूल अछि एटा भी ठीक अछि हला आंसर गोटे ही खाली भूल अछि एटा द गाइड सीरियल नंबर 5 तो एटा हबो हमर आंसर एटा को लिखिथिले मुल्कराज आनंद कहिछि किंतु आंसर हबो कोन आर के नारायण एटा को के लिखिथिले आर के नारायण तो एटा ऑप्शन तमरो 5 टा भूल अछि हला तापर नेक्स्ट देखो 95 नंबर मैच द फॉलोइंग केते मैच द फॉलोइंग देछि देखो मैच द फॉलोइंग रे फर्स्ट देछि तुमरो टाउन बा सिटी रो नाम जागरो सिटी रो नाम देछि गोटे साइड रे देछि इंडस्ट्री माने सेही सिटी रे को इंडस्ट्री अछि जेंति कि मु कहबी राउरकेला राउरकेला रे हमर कोन अछि स्टील इंडस्ट्री अछि जेंति कि कटनी हला कटनी तुमरो कोन पे फेमस सीमेंट पे फेमस डालमिया नगर सीमेंट पे फेमस तो एटा ठीक अछि कटनी ता तुमरो सीमेंट पे ऑप्शन 4 हला डी ऑप्शन 4 डी को जगह रे अछि ऑप्शन 4 डी एटी गोटे अछि आ गोटे ए जगह रे गोटे अछि ला तापर नेक्स्ट हिछि तमरो कोडे गला गुंटूर गुंटूर हला तमरो टोबाको पई गुंटूर को चिली सिटी ऑफ चिलीज बोली भी कुआ जाए लंका आ गोटे हला तमरो टोबाको तंबाकू पई फेमस तो ऑप्शन 2 रो हला बीटे ऑप्शन 2 रो हला बीटे 4 डी बीट ए 2 रो बीटे तो एडा आंसर ऑप्शन डी होछि तमरो आंसर हला बाकी सब पूरा तमरो ता सहित अछि मैच कर दबो ठीक है तापर देखो 96 पुणी देछि तमरो मैच द फॉलोइंग एडी देछि तमरो इयर गोटे वर्षर ना सब देछि गोटे सागर देछि तमरो इवेंट माने को कार्य हेतला फर्स्ट देछि 569 एडी 500 माने 69 एडी रे प्रोफेट मोहम्मद कर जन्म हेतला कोडी मक्का मदीना रे प्रोफेट मोहम्मद जे कि इस्लाम धर्म रो तमरो फाउंडर थिले एटा ठीक देछि 569 रु 570 पर्यंत एई टाइम पाखा बखिरे तंगरो जन्म हेतला तो एई ऑप्शन ठीक अछिला नेक्स्ट देछि 1215 रे मैग्ना काट्टा हमर फंडामेंटल राइट्स को कुआ जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैग्ना काट्टा
तो प्रथमे मैग्ना कार्टा कहीकि गोटे रूल किए आनी किंग जॉन टू इंग्लैंड रे आनी थिले। तो ये कौ मसीहार तुम आनी इंग्लैंड रे आनी 1215 ये भी तुम ठीक अच्छे। नेक्स्ट देसी 1498 यही मसीहाटा को तुम मन रख है 1498 भास्कोडा गामा प्रथम पर्तुगीज नाविक थे जीक जलपथर सी रूट्रे तुम इंडिया को डिस्कवर करते। तो ये भी ठीक अच्छे। आउ गोटे ऑप्शन रहा तुम कोलंबस। कोलंबस क्या डिस्कवर करते अमेरिका से इंडिया को खोजाप आसी कि भूल से क्या डिस्कवर करदे अमेरिका। तो कोलंबस अमेरिका को डिस्कवर करते 1492 ये ऑप्शन तुम सीरीयल नंबर 3 भूल अच्छे। यहाँ है ऑप्शन ए सीरीयल नंबर 3 ऑप्शन ए टा भूल अच्छे है। नेक्स्ट देख 97 नंबर तुम दे हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर। प्रथम मुस्लिम रूलर किए थे जी कि ओडिशा रे रूल करते। प्रथम मुस्लिम रूलर थे सुलेमानी करनी। ये तुम स्पेलिंग मिस्टेक अच्छी सुलेमानी करनी। तो सुलेमानी करनी जी कि कौ डायनेस्टी थे करनी डायनेस्टी थे गोटे डायनेस्टी थी करनी डायनेस्टी तार फाउंडर थे सुलेमानी करनी। आर जे सब फेमस सेनापति थे सेनापति को इंग्लीश रे कहुए जनरल जहाँ ना थी कौन कला पहाड़ समस्ते शुणी ना कला पहाड़ आसी जेकि पूरी मंदिर को अटाक कर बहुत ध्वंस कर। तो कला पहाड़ कहार सेनापति थी सुलेमानी करनी जी कि प्रथम मुस्लिम डायनेस्टी थी आमर ओडिशा जी रूल कर। तो यहाँ को मन रखिबो। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल। ए भितर कोउ एम्ती नदी अछि जोडा कि बे ऑफ बंगाल ले पड़ी नाही। देखो नोट दिछि सब क्वेश्चन नोट दिछि बे ऑफ बंगाल ले पड़ी नाही। तो आमे जदि इंडिया रो मैप देखिबा बे ऑफ बंगाल ले पड़ी नी हेले एटा तमरो किछि हेला इंडिया रो मैप एडी तमरो आछि गोदावरी ता तळे कृष्णा ता तळे ला कावेरी। गोदावरी कृष्णा ये दुटा महाराष्ट्र रु बाहर ता तले है कावेरी। तो ये तीन टाक नदी तुम पड़ी बे ऑफ बंगाल मानने कौपटे फ्लो कर ईस्ट पटे फ्लो कर। तो ये ऑप्शन देखो तो गोदावरी कृष्णा और कावेरी देसी जो तीन टाक बे ऑफ बंगाल पड़ी। तो आंसर कौन हम नन अफ दिस्। देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ओडिशा बिकम ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ओडिशा के ब्रिटिश एम्पायर अंडर गला 1803 मसीहार फाइनाली ओडिशा को कैप्चर कले। तो कही ब्रिटिश एम्पायर अंडर जो ओडिशा गला से किए रूल करता मैंने क्या टाइम रे गवर्नर जनरल टाइम रे ओडिशा को कैप्चर करागला केबे। आंसर हम डी लॉर्ड वेल्सली टाइम रे हला। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देछि फर्स्ट ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली। आमर जमती लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छी सेमती ओडिशा रो भी गोटे तुम ओडिशा रो लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छी मानने जोटा कि विधानसभा क्या जाए जार सीट हूँ के 147 मान ओडिशा रे एमएलए संख्या केते 147 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जोड़ा शॉर्ट फॉर्म रे तुम एमएलए क्या जाए 147 सीट अच्छी। आ तुम फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ओडिशा स्वाधीन होबा परे बना हेतला। तो यहाँ तुम 1936 ओडिशा सेपरेट प्रोविंस हेतला 28 जुलाई 1937 तुम कौन है रेवेन्सा कॉलेज रे प्रथम मीटिंग होता कटक रे जो थे कि तुम कौन बनाई ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली मधुसूदन दास एमने गोपबंधु दास आहरी बहुत जन मिसिक तुम बनते कौन ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आंसर हम ऑप्शन बी। एतिकी थिला तुम टोटल क्वेश्चन 100 जोटा कि आर आई ए आर आई अमीन 2015 पड़ा। आशा करूँ समस्त भल लगे भिड भल लगी लाइक सेयार और सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।